माँ एक पैसा दो। रामू ने कहा हमें लंगड़ा आया है। माँ ने कहा लंगड़े को लंगड़ा नहीं कहते। जाओ बेटा अंदर जाओ, दांत आने वाली है। अच्छा पिताजी अभी जाता हूँ, सबक तो पूरा कर लूँ। माँ ने कहा लंगड़े को लंगड़ा नहीं कहते। लंगड़े को लंगड़ा कहने से लंगड़े को दुख पड़ता है। लंगड़े को लंगड़ा नहीं कहते। लंगड़े को लंगड़ा चौबे बंदर, तेरे लिए एक ही सबक रह गया याद करने के लिए रोज, लंगड़े को लंगड़ा नहीं कहना चाहिए। हाँ मास्टर साहब कहते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकता है। जा तू अपनी दीदी से कह मेरे लिए कड़क चाय बना दे। क्यों रे, आज लगता है मोटा आ गई। ऐसा ही कुछ है, आज तो मेरी कमर टूट गई है। जानते हैं क्यों होता है? इसलिए होता है कि लोग पढ़ बहुत गए हैं, नौकरी वोकरी कुछ मिलती नहीं, इसलिए अर्जियां लिखते रहते हैं या ये लिखते हैं मेरे सपनों की रानी, मेरे सपनों के राजा। राजा रोज इतनी चिट्ठियां आती हैं मगर आपकी कभी नहीं आती। डेढ़ महीने से मैं काम कर रहा हूं मगर ऐसा कभी नहीं देखा कि आपकी कोई चिट्ठी आई। क्या बात है? अब हमारा है ही कन जो हमें चिट्ठी लिखे। डेढ़ महीने तो क्या, 20 बरस हो गए पोस्ट मास्टर करते, लेकिन कहीं से भी कोई चिट्ठी नहीं आई। क्यों, भाभी को मैं क्या नहीं भेजा? भेजा था रे, लेकिन वो तो चिट्ठी नहीं लिखती। हाँ एक बार चिट्ठी लिखी थी, लेकिन पता कुछ ऐसा लिखा कि चिट्ठी लापता हो गई। हाय हाय, तो वो भी चिट्ठी नहीं मिली। दादा मैं ये सोच रहा हूँ कि छुट्टी लेकर कहीं चला जाए। अरे अभागे, अब जब भी तो छुट्टी पे गया था, फिर छुट्टी क्यों? ऐसी छुट्टी नहीं चाहिए मुझे, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से कहीं दूर चला जाऊं और वहां से आपको एक चिट्ठी लिख डालूं। कसम से दादा आपको एक चिट्ठी मिलना जरूरी है। तो बातें बहुत करता है, चल जल्दी कर, डाक बांटनी है। पिताजी जरा अंदर जाओ, माँ बुला रही है। देख तो रही बेटी कितना काम है, इस वक्त कैसे जाऊं? जरा हो आओ ना, तब तक मैं स्टैंप मारे देती हूँ, बड़ा भारी काम है। बिटिया वो हमारी कड़क चाय का क्या हुआ? शक्कर नहीं है चाचा। शक्कर नहीं है तो मुझसे क्यों नहीं कहा? मैं ले आता, अभी लाता हूँ। नहीं चाचा, रोज रोज तुम शक्कर क्यों लाओगे? देखो बिटिया और जो तुम चाहो करो, मगर भगवान की हंसी न उड़ाया करो। मैं कौन हूँ लाने वाला, मैं तो खाने वाला हूँ। लाने और जुटाने वाला तो वो है ऊपर वाला, नीली छतरी वाला। ये लीजिए मनी ऑर्डर। लाओ। अरे सीमा तुम इसमें ताजुब की क्या बात है? पिताजी रिटायर हुए कि नौकरी मेरे। आओ अंदर आओ। देख क्या रहे हो? देख नहीं रहा हूँ, सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ अगर ऐसा पोस्ट मास्टर मिल जाए तो हर रोज मनी ऑर्डर किया करूँ। 60 रुपए लेके तो स्कूल मास्टर हो, रोज मनी ऑर्डर के लिए पैसे कहाँ से लाओगे? बुरा मान गए? बुरा मानने की क्या बात है, ठीक ही तो कहा है तुमने। इसीलिए तो क्या? कुछ नहीं। चलो अच्छा ही हुआ, पैसे भेजने की जरूरत पड़ी तो दिखाई तो दिए। क्यों, जो देखना चाहता है वो तो देख ही लेता है। हाँ सुना है कि वो लोग कल तुम्हें देखने आए थे। आए तो थे। खूब सिंगार किया होगा तुमने। क्यों नहीं करूंगी, क्या मुझे शौक नहीं है? जरूर है। ये भी सुना है कि वर एक आंख से काना है। और ये नहीं सुना कि वर के बाप के दोनों कान भी कटे हुए हैं? वर की आंख बनवाने के लिए हम अपने खर्चे से उसे विलायत भेजेंगे, तब होगी शादी। ठीक ही तो है, एक आंख से इतना रूप देखकर भला किसी का जी भर सकता है? हाँ अगर तुम चाहो कि वो तुम्हें एक आंख से देखता रहे तो फिर बात दूसरी है। बस बस रहने दो, इतने दिनों से मुंह छुपाए फिरते रहे और अब बातें करते हो बड़ी बड़ी। सच बताता हूँ सीमा, मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती। मैंने बहुत कोशिश करके देखा कि गांव के बड़े लोग कुछ नहीं करेंगे, इसलिए मैंने बच्चों का एक दल बना लिया। गाँव के रास्तों और जंगलों को साफ करके यहाँ से मलेरिया को भगाने की कोशिश कर रहा हूँ। भगाओ मलेरिया, लेकिन हम तो इन सब में नहीं है। हमारा अपना उद्धार नहीं हुआ और हम देश उद्धार करने चले। तुम क्या देश के बाहर हो सीमा? देश के उद्धार से ही तुम्हारा उद्धार होगा। कौन किसका उद्धार कर रहा है भाई? नारायण नारायण, रजत बाबू
पोस्टमास्टर कहाँ है बेटी? पिताजी अंदर है, आप बैठिए, अभी आते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा मैं चलता हूँ। सुनो, रसीद पर तो पिताजी के दस्तखत। फिर ले लूंगा। ले बेटिया ले, ले आया शक्कर। अभी बना के लाई जाए। अरे पंडित जी आप सुबह सुबह। अरे क्या पूछता है हराधन, नारायण सवेरे ही सवेरे घर से बाहर निकला तो दरवाजे पर पैर लिपट गया, इसीलिए स्नान करने जा रहा था, फिर रास्ते में सोचा कि जरा देख लूं शंकर की कोई चिट्ठी विट्ठी। पंडित जी हाँ, आपके घर के दरवाजे के सामने तो गोबर होगा। दे नहीं दे, बदबू के मारे नाक फट गई, आंखों से देखा गोबर नहीं था। नहीं, नहीं आपको कुछ गलतफहमी हुई है, वहां तो गोबर ही होना चाहिए। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? विश्वास न हो तो तू खुद चल के देख ले। मेरा मतलब ये था हाँ, कि आपकी तरफ तो गाय बैल ही ज्यादा रहते हैं ना। क्या कहा? मूर्ख कहीं का, हमारी तरफ गाय बैल ज्यादा रहते हैं? मैं दिखा दूंगा तुझे नरक का कीड़ा। अरे सरकार लंगार जी, आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? देखो पोस्टमास्टर, अपने इस नए डाकिये को समझा दो, जो कुछ मुंह में आता है बक देता है, कह रहा है कि हमारी तरफ आदमी कम और जानवर ज्यादा रहते हैं। नहीं नहीं पंडित जी, शायद इसका मतलब ये था कि गाय बैलों का तबेला तो आते मोहल्ले में है, इसमें नाराज होने की क्या बात है? देखो जी, तुम इसका पक्ष मत लो, ये हमें सिखाता है, ये जानता नहीं कि हम कौन है। ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा बच्चों के लेख चांदा। देखा राधन, तू अभी नया नया काम पर लगा है, इन बड़े लोगों के मुंह मत लगा कर, हमें इनकी इज्जत करनी चाहिए, समझा? क्यों, हम इनका कुछ दिया खाते नहीं। उस दिन मैं डाक लेके इनके घर के अंदर तरह घुस गया, सारे घर को गोबर से लीप दिया, मगर दूसरे दिन जब मैं मनी ऑर्डर लेके पहुंचा और उनसे पूछा कि पंडित जी आप मेरा छुआ हुआ रुपया लेंगे या मैं वापस ले जाऊं, तो हंस के दांत दिखा दी। कहने लगे, कहने अर्थे नियम नास्ती, यानी रुपए पैसे के मामले में छूछात कोई चीज नहीं। देख रहा था, तू बातें जरा कम किया कर, समझा? सीमा बिना स्नान के ही लौट रही हो? देखो ना, घाट पर आना ही महाल कर दिया है, सारा दिन मछली पकड़ने के बहाने बैठा रहता है और घूरता है। बदमाश कहीं क्यों नहीं घूरेगा, पहले वो पंसारे की दुकान करता था, अब भाई यूनियन बोर्ड का प्रेसिडेंट। आ गई, आ गई संजू बाबू। ओ सरकार जी, निकल गई ना हाथ से, अब ये चारा बेकार है संजू बाबू, चारा बदलना पड़ेगा। क्या कहा आपने? आप यहाँ बैठे बैठे मच्छी मार रहे हैं, वहाँ आपके छोटे तालाब को वो लोग पाटे दे रहे हैं। कौन पाटे दे रहे हैं? अरे वही रजत और उसके छोकरे, देशोद्धार कर रहे हैं। चलिए तो देखें। चलिए, वहाँ पोस्ट ऑफिस में देखा तो अलग राशि ले चल रही। लीजिए, अब अपनी आंखों से देख लीजिए। अरे किसके हुकुम से ये तालाब पाट रहे हो? छोटे से घर को आप तालाब कह रहे हैं? खबरदार, मैं सबको पुलिस में दे दूंगा। जानते हैं तरकल लंकार जी, एक महीना पहले मैंने इस तालाब में 100 रुपए की मछलियाँ छोड़ी थी। मछली तो यहाँ एक भी नहीं है। हाँ मच्छरों के अंडे हैं लाखों, और अगर वो आप ना फेंके हो तो बात दूसरी है। छोटा बदमाश, छोटा मुंह बड़ी बात। भागो यहाँ से, चलो चलो भागो यहाँ से। क्यों केवल, क्या हुआ है? होगा क्या, ये तालाब तुम्हारे बाप का है? जबान संभाल के बात करिए। मत बोलो बन साहब, मेरे बाप को मरे कई साल हो चुके हैं, अब उन्हें क्यों बीच में ला रहे हैं? जो भी कुछ कहना है मुझे बोलिए। तुम्हें क्या बोलो, अब तो मैं तुम्हें सीधे पुलिस के हवाले करूंगा, सारी हेकड़ी हवा हो जाएगी वहां जाकर। बन साहब, अब देश स्वाधीन हो चुका है, गाँव के स्वास्थ्य बिगाड़ने के अपराध में पुलिस आप ही को ना पकड़ ले। जा जा, देखता हूँ पुलिस किसे पकड़ती है, मैं अभी दरोगा जी के पास जाता हूँ। चलिए, बिल्कुल ठीक, अपना काम करो। नमस्ते भजबल जी। नमस्ते। कौन मारूं? भाई बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, मैं तुम्हें याद कर रहा था। क्या भाई, बात यह है कि तुमने अपनी बड़ी लड़की के ब्याह पर जो 2000 रुपए की रकम मुझसे कर्ज ली थी ना, आज पूरे 3 बरस होने को आए, असल तो असल सूद तक नहीं दिया,
मैंने भी हार कर कागजात वकील को दे दिए हैं, अब मुझे दोष न देना। जी गलती तो मेरी है, आपने तो जितनी मोहलत हो सकी दी, लेकिन कुछ दिनों की मोहलत। बात यह है, एक सरकारी सर्कुलर आया, एक आध महीने में हम लोग तनख्वाह भरने वाले हैं, फिर मैं आपकी पाई पाई चुका। भाई कह जो रहा हूँ कि मामला मेरे हाथ से निकलकर वकील के हाथ में जा चुका है, उसकी चिट्ठी आएगी जो तुम्हारे जिम आए करना। पाचाना, एक काठे का पाचाना बेटा, भगवान का भोग लगेगा कि प्रसाद ले जाना। पोस्ट मास्टर, मास्टर क्या खरीद लाए? क्या खरीदना शास्त्री जी, महंगाई इतनी हो गई किसी चीज को हाथ लगाते भी डर लगे। कुछ पूछो मत, भुजबल क्या कह रहे थे? अभी कहते क्या, बड़ी लड़की की शादी के लिए उनसे कर्जा लिया था, उसी का तकाजा कर रहे हैं। भैया यही बात भंजू बाबू के यहाँ हो रही थी, कितना समझाया उन्होंने, कितना समझाया पर पट्टा पसीजा ही नहीं, कहने लगा मैं मुकदमा करके ही छोड़ू। शास्त्री जी अब तो जो किस्मत में होगा भुगत नहीं पड़ेगा। भैया भंजू बाबू को इस बात का बहुत ही अफसोस है, कहने लगे कि जैसे भी हो निवारण की सहायता करनी चाहिए, तुम्हारी जात के है ना। अच्छा ये भंजू बाबू के लिए तुम्हारी क्या राय? ये अच्छे हैं। नहीं नहीं अच्छे तो हैं, मगर किस रूप में? मैं समझा नहीं शास्त्री जी। नहीं समझे? भैया दुनिया में सभी अच्छे हैं, पर कोई मामा के रूप में अच्छा है, कोई ससुर के रूप में। मैंने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा। सोचो निवारण सोचो, 1 लाख से ऊपर का आसामी है सारी जायदाद मिला के, घरवाली मरी चुकी है और बाल बच्चा घर में कोई है नहीं संभालने वाला। मैं पूछता हूँ दामाद के रूप में भंजू बाबू कैसे रहेंगे? शास्त्री जी मेरी बेटी सियानी हो चुकी, मैं उसके मामले में दखल नहीं देना चाहता, और फिर कर्जा तो मैंने लिया है, वो क्यों भोगे? सोच लो भैया, मैं तो तुम्हारे भले के लिए। क्यों आज फिर तबीयत बिगड़ गई क्या? ठीक ही कब थी, अब तो भगवान दुनिया से उठा ले तो मुझे भी शांति मिले और तुम सबको भी। तुम तो खामखा परेशान होती हो, देखो मैं वैद्य से दवा लाया हूँ, उन्होंने कहा है दवा तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अरे हाँ एक बात हम तुम्हें कहना भूल ही गया, आज सुबह बाजार में तरका अलंकार जी मिले थे, कहने लगे अगर अपनी सीमा की शादी भंज महाशय से कर दे तो भुजबल से लिया हुआ हमारा सारा कर्जा खुद चुका देंगे। तो तुमने क्या जवाब दिया? मैंने साफ इनकार कर दिया। इनकार कर दिया क्यों? अरे तो क्या तुम ये चाहती हो मैं सीमा की शादी इस बूढ़े से कर दूं? शादी ब्याह तो किस्मत के लेके है, वर की उम्र कुछ ज्यादा है तो क्या, पैसों की तो कमी नहीं, लड़की हमारी राज करेगी राज। मैं तो कहती हूँ कल ही जाकर बात पक्की कराओ।
मेरा है अकेला झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नींबल मिला है किसी का झुमका। पुरी के राजमहल में पहुंच गया। क्यों? राजकुमारी के खोज में। राजकुमारी की इतनी चाह तो हुए उनके दर्शन। लेकिन पता जरूर मिल गया। क्या पता मिला? पातालपुरी के द्वारपाल ने बताया कि राजकुमारी आजकल वहां नहीं रहती, उन्होंने राधानगर में पोस्टमास्टर जी के यहाँ जन्म लिया। फिर मैंने पूछा कि उस राक्षस का क्या हुआ, तो पता चला कि राजकुमारी को हड़प जाने के लिए वो भी राधानगर में पैदा हुआ है। उसका नाम है हरिहर भंज। और बेचारे राजकुमार की दुर्दशा तो तुम देख ही रही हो। हाँ, बेचारे का उड़न खटोला बन गया साइकिल और सिपाही हो गए स्कूल के चले जाते। बिल्कुल ठीक, वरना मैं राजकुमारी को दूर बहुत दूर उस स्वप्न से सुंदर देश में उड़ा ले जाता। फिर तुम्हें अपने महल में ले जाता, वहां तुम हीरे लगे मोतियों के पेड़ों के नीचे सोने के सेज पर बैठी मेरी राहतें, और मैं अपने उड़न खटोले पर बैठ बादलों को चीरता हुआ तुम्हारे पास आ जाता। फिर तुम बिल्कुल मेरे पास आ जाती और मैं निहारा करता तुम्हारा सुंदर सलोना मुख, तुम्हारी मुस्कुराहट की मोतियों से भर लेता अपना दामन। लेकिन हर कल्पना, खैर असीम को भेजकर मुझे क्यों बुलवाया? तुम्हें बताने के लिए कि राक्षस का हौसला बहुत बढ़ गया है, भंज पिताजी को रुपयों का लालच देके मुझे हड़प लेना चाहता है। शायद कोई आ रहा है। नारायण नारायण, आएगी तो पहुंचा दूंगा। हाँ राधा। हाँ दादा। अरे देख तो चिट्ठी मेरी नाम है ना, पोस्ट मास्टर राधानगर। राधानगर के पोस्ट मास्टर तो आती हैं। अरे आखिर आपके नाम भी चिट्ठी आई गई दादा, देखो ना, देखो किसकी चिट्ठी है। अरे देखना क्या, मैं जानता हूं कैसी चिट्ठी है। कैसी चिट्ठी? भुजबल के कुछ रुपए बाकी थे, उसने नालिश करने की धमकी दी थी, उसी के वकील का नोटिस होगा। तो जा, डाक बांटने का देर हो रही। हजारों बरस के बाद तो चिट्ठी आई है, आप देखते नहीं है दादा? पढ़ के देखते लो क्या लिखा है। आराधन, क्या हुआ दादा? तबीयत खराब है, कोई बुरी खबर तो नहीं है? आज तो मैं हो
क्या गया है? इतनी रात बीत गई, सोओगे नहीं? देखो बात यह है, आज एक चिट्ठी आई है, अजीब चिट्ठी है वो, उसमें एक अच्छा रहने दो, कल बताऊंगा, कल बताऊंगा। निकल जाओ, धक्के देकर इन्हें बाहर निकाल। हुजूर मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। हुजूर मुझे एक बार माफ कर दीजिएगा, हुजूर मुझे माफ कर दीजिएगा। कहो कुछ काम है? जी आपसे एक सलाह लेना है। नायब जी, ये अपने यहाँ के पोस्ट मास्टर है ना? जी हाँ, एक चिट्ठी आई है। चिट्ठी ले लो इनसे। जी वो चिट्ठी मेरे नाम है। तुम्हारे नाम तो हमसे क्या वास्ता? जी चिट्ठी कुछ ऐसी है कि गांव के पांच जन इकट्ठे हों तो सबके सामने कहूं, अगर आपको कष्ट न हो तो शाम को थोड़ी देर के लिए पोस्ट ऑफिस में आ जाइए। गरज तुम्हारी है हुजूर की? जी गरज तो मेरी है। तो फिर सरकार वहां क्यों जाए, जिसकी गरज पड़ेगी आएगा यहाँ। ये भी ठीक है, तो ऐसा करता हूँ सरकार, गांव के पांच जन को यहीं बुला लेता हूँ। नमस्ते। अबे पंखा जोर से खींच। पहले का बकाया 12:30 आना, इधर रख। ठीक है, ये ले, उधर जाकर बैठ जा। डॉक्टर बाबू है? पोस्टमास्टर साहब, नमस्ते। बैठिए बैठिए, डॉक्टर साहब विजिट पर गए हैं, अब भी आ जाएंगे, अब बैठिए। रामचरण गुलजारी, एक रुपया 9 आना। ये रहा 1 रुपया, ये मेरे खेत के 4 बैंगन तो एक आने, और बाकी 8 आने कल आकर, तो फिर कल ही आना। चुप, शशि भूगन 2 रुपया 3 आने। फसल आया? लड़की की हालत बहुत ही खराब है छोटे डॉक्टर बाबू, आज की पर्ची और दे दीजिए। डॉक्टर साहब ने कह नहीं दिया था कि पैसा लाया बगैर ये मनुष्य तुरंत मत दिखाना। डॉक्टर साहब आ गए, जा जा। नमस्ते नमस्ते डॉक्टर साहब, मेरी लड़की मर जाएगी, आप मुझे दवा जरूर दिखवा दीजिए डॉक्टर साहब। अबे पहले पैसे दे के पर्ची बनवा, ये कोई खराती दवाखाना नहीं है। कैसे तशरीफ लाए, किसी की तबीयत खराब है? जरूर होगी। नहीं नहीं, तबीयत किसी खराब नहीं, मैं आपके पास एक बहुत जरूरी काम से आया। अच्छा तो यहाँ क्या तशरीफ रखी, अंदर आइए, अंदर तशरीफ। चंपा सुन रे, हाँ ना कैसे है तू? मेरी तरफ था 1 रुपया 3 आना, और उसमें से तूने मेरे पास जमा किए थे 2 रुपया। जमा जमा मैंने कब किए थे? ये थे, तुझे भी याद ही नहीं? अशी हुसैन, हेलो भगवान, मेरी बच्ची को इस दुनिया से उठा लो, मैं बाप होकर भी उसकी मौत मानता हूँ, अब उसका दुख मुझसे नहीं देखा जाता। ए बच्चा, एकदम से मंदिर के ऊपर चढ़ाया, वहाँ सीढ़ियों के नीचे से प्रणाम नहीं कर सकता था? मैं तो बहुत दूर हूँ शास्त्री जी। अरे अरे अरे, मुझे छुएगा क्या, देख रहा है कि पूजा की थाली हाथ में लिए हूँ, अंधा हो गया तू, चल लीजिए चल। शास्त्री जी, मैं तो चरणामृत लेने आया था, अपनी बच्ची के मुंह लगा लेता, बेचारी बुखार में तड़प तड़प कर मरी जा रही है। देख रहे हो पोस्टमास्टर कमीने की हरकत, अभी भगवान का भोग लगा नहीं और चरणामृत इन्हें पहले दे दू, चल चल भोजन के बाद चल। आज तुम इधर कैसे? पंडित जी, आज शाम को जिम्मेदार साहब के मैंने पंचायत बुलाई, कृपा करके आप पधारिए। पंचायत तो मैं खुद बुलाने वाला था, उस स्कूल मास्टर और तुम्हारी लड़की। पंडित जी, उस सिलसिले में नहीं, एक चिट्ठी आई है। इसकी चिट्ठी? वही बताने के लिए तुमने पंचायत बुलाई है, आप जरूर आइएगा। अच्छी बात है, तुम कहते हो तो जरूर आऊंगा, अवश्य आऊंगा। शशि, जा तू कविराज जी के यहां दवा ले आ, ये ले 8 आने पैसे। आप कह क्या रहे हैं शास्त्री जी, तुम हो कहां तांडव? मैंने डाक खाने में अपनी आंखों से देखा। आपको भी बुलवा लिया, नमस्ते। अरे भाई ये मामला क्या है, पूछा कि कैसी चिट्ठी है तो कुछ नहीं बताया। जी क्या कहा आपने? न जाने कैसी चिट्ठी आई है उसके नाम, कह रहा था कि गांव के 5 आदमी इकट्ठे हों तो
तो मैं बताऊंगा। मुझे मालूम है कैसी चिट्ठी है वो। मालूम है? हाँ। तो बताते क्यों नहीं? अजी क्या बताएं जमींदार साहब, दौलतपुर के भुजबल को तो आप जानते ही हैं। हाँ हाँ। उस मास्टर की बड़ी लड़की के ब्याह के लिए उससे 2000 का कर्ज लिया था, उसी का नोटिस वकील ने भेजा है। अब हम सबको बुलवा कर कुछ समझौता करवाना चाहता है। लेन देन में समझौता? ये तो नई बात सुन रहा हूँ मैं। भुजबल ने जो कुछ किया है ठीक ही किया है, क्यों तांडव? मगर हमने सुना था कि आपने कुछ समझौता किया था उनसे, उनको कहलवाया था आपने कि अगर वो अपनी बेटी का रिश्ता आपसे कर दें तो आप उनका तमाम कर्ज चुका देंगे। जी हमने नहीं, उसी ने कहलाया था कि लड़की सियानी हो गई है, वर नहीं मिलता, तो मैं ही उसकी नैया पार लगा दूं। अब कहता है कि लड़की की नजरों में मैं बुढ़ा हो गया हूँ। ये राम का नाम लीजिए, आप और बुढ़े, अभी तो आपके खेलने खाने के दिन है। जिस घर में कहिए संबंध करा दूं, और वो लड़की, नारायण नारायण, वो लड़का है ना स्कूल मास्टर रजत, उस दिन तालाब के किनारे जो मैंने देखा। अरे रजत, हाँ हाँ भाई, जान पड़ता है कि निवारण ने किसी को छोड़ा ही नहीं है। अलंकार जी, लगता है धर्म चर्चा हो रही थी। हाँ हाँ, तो मैं क्या कह रहा था तांडव, मछली मछली, तो मछली पकड़ना हो तो हेमन राय के ताल पर जाइए, वहां पर रोहू कटला साल। माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब, मरीज देखने चले गए थे, मैंने सोचा इन्हें भी अपने साथ ले लूं, इसीलिए आने में देर हो गई है। ये है वो चिट्ठी जिसके लिए मैंने आप लोगों को कष्ट दिया है कि सुनकर आप लोग अपनी राय दें कि क्या करना चाहिए। निवारण, इस चिट्ठी के बारे में हम सब कुछ सुन चुके हैं। सुन चुके हैं? क्या मतलब? डॉक्टर साहब, ये निवारण और भुजबल के आपस के लेन देन का मामला है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इंटरनल अफेयर। जी नहीं, मेरे ख्याल से हम लोगों को इसमें दखल अंदाज नहीं होना चाहिए। तो फिर मैं चलता हूँ, मरीज मेरा इंतजार कर रहा हूँ। नहीं नहीं, ये चिट्ठी वो नहीं है, ये चिट्ठी किसी सर जगदीश चंद्र राय ने भेजी है, जिनके पूर्वज इसी गाँव के थे। जगदीश राय, समझ गया मैं, तालाब के उस पार वाले रायवंश के कोई होंगे। सुनने तो दीजिए शास्त्री जी, पढ़ो निवारण। रजत जी, रात में मुझे कम दिखाई देता है, जरा तुम पढ़कर सुनाओ ना। माननीय महोदय, राधानगर गांव मेरा जन्म स्थान है और मेरे पूर्वज भी वहीं के थे। आज से 30 साल पहले जब जमींदार के जुल्मों से तंग आकर मेरे पिता माता ने गांव छोड़ दिया था, तब मैं बहुत छोटा था। शहर आकर परमेश्वर की कृपा से उन्होंने व्यापार शुरू किया, जिसमें दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हुई। अंतिम वर्षों में मेरे पिताजी की इच्छा थी कि गांव की उन्नति के लिए कुछ दान किया जाए, पर अचानक हृदरोग से उनका देहांत हो गया और उनकी वो इच्छा उनके जीवन काल में पूरी न हो सकी। जो वो नहीं कर सके वही मैं अपनी प्यारी माँ के आदेश से करना चाहता हूँ। गांव की उन्नति के लिए कुछ रुपए मैं चिट्ठी के साथ भेज रहा हूँ। गांव में मैं तो किसी को पहचानता नहीं, क्योंकि आप राधानगर के पोस्टमास्टर हैं, इसीलिए आपका सहारा ले रहा हूँ। आपकी नजरों में जो गांव का सबसे ज्यादा ईमानदार और योग्य आदमी हो, उसे आप ये रकम गाँव की भलाई के लिए सौंप दे। नतीजा जो भी हो उसका जिम्मेदार मैं हूँ। खास कारणों से मैं खुद राधानगर ना आ सका, समय मिलने पर जरूर आऊंगा। आपका जगदीश चंद्र राय। और चिट्ठी के साथ लॉयड्स बैंक का एक चेक है, 5 लाख रुपए। कितने लाख? जी 5 लाख। 5 लाख? क्या हुआ? ए, पंखा जोर से खींचो। पानी, एक गिलास पानी। ओ, ओ, जगन्नाथ राय, अपने अविनाश राय का सुपुत्र। अरे तुमने नहीं पहचाना तांडव, वो अपना जग्गा, यह जग्गू। अरे वो मेरे सामने बचपन में नंगा फिरा करता था, मुझे चाचा चाचा कहता था। है? मगर तर्क लंकार जी, ये जगन्नाथ नहीं जगदीश हैं। एक ही बात है बेटा, लेकिन हम लोग तो उसे जग्गू ही कहकर पुकारेंगे ना। पैसा होने पर तो सभी जगन्नाथ जगदीश बन जाया करते। अरे शास्त्री जी, आप ही बोलते रहेंगे या किसी और को भी बोलने देंगे आप? बोलो निवारण जी। जी मैं क्या कहूं, जो आप लोग सोचे। इसमें सोचने की कौन सी बात?
अरे राधा नगर में ज्ञान ध्यान दान और कर्तव्य में जो आदर्श हैं, वो तो यही मौजूद हैं। और वो हैं हमारे जमींदार साहब श्री तांडव तरफदार। संभाल 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 जी, अगर आप लोगों की यही राय है तो मैं ये चेक जमींदार साहब को सौंपूंगा। लेकिन देखिए, पहले तो पता लगाना पड़ेगा कि ये चेक असली हैं या किसी ने मजाक किया है। दूसरे, अगर पोस्टमास्टर साहब खुद ही किसी को बुलाकर ये चेक दे देते बात दूसरी थी, लेकिन जब उन्होंने हम लोगों की राय मांगी है तब इतनी आसानी से इसका फैसला करना ठीक ना होगा। मेरे विचार में आम जनता की राय लेना जरूरी है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी का जमाना। मास्टर, अंग्रेजी मत छाटो, तुम्हें तो हिंदी भी आती। जी हाँ, तो आप हिंदी में सुन लीजिए। लोकतंत्र में जनता की राय लेना जरूरी है कि कौन आदमी सबसे भला है और इस रकम का हकदार है। हाँ भाई, इनकी बात गौर करने के लायक है। लड़के का ख्याल बुरा नहीं है, आखिर अंग्रेजी पढ़ा लिखा है। हाजी, अंग्रेजी तो हम भी जानते। कुछ भी हो तांडव, बात न्याय की है। तो फिर क्या तय किया आप लोगों ने? देखिए, मेरे मरीज मेरा इंतजार। मेरे ख्याल से वोट लिए जाए। अच्छा, तो पिछली दफे वोटिंग के जरिए आपको चेयरमैन चुन लिया गया, तो आप समझते मैदान अब की बार भी आप ही के हाथ रहेगा। पंच महाशय, अब की बार लोग दूसरी तरफ ही देखेंगे। हाँ हाँ, देखा जाएगा। पिछली बार भी तो आप खड़े हुए थे, फिर क्यों हार गए? वो तो भाई बीमारी थी। बैठ जाइए, बैठ जाइए। सुनिए, एक और बात है। इस चिट्ठी के मुताबिक चुनाव में वही खड़े हो सकेंगे जिन्हें पोस्ट मास्टर साहब नामजद करें, ये उनका हक है। अरे भाई, इसका मतलब तो हम ही लोग हुए ना। अगर हम लोग अच्छे आदमी न होते तो पोस्टमास्टर हम लोगों को बुलाते क्यों? क्यों नहीं वारा? जी, इस चुनाव में आप पांच जन खड़े हो, यही मेरी इच्छा है। तो दिन तय कीजिए चुनाव का, दो तीन दिन के अंदर ही निपटा देना अच्छा होगा। नहीं नहीं, ये क्या अंधेरे, कम से कम एक महीने का वक्त मिलना चाहिए। क्यों जमींदार साहब? ठीक है, तो अगले महीने की पहली तारीख को चुनाव रखिए, यानी आज से 25 दिन के बाद। तब तक ये चेक पोस्टमास्टर साहब के पास रखा जाए। इसके अलावा बड़े बूढ़ों के बीच मेरा आना शोभा नहीं देगा। मैं अपना नाम चुनाव से वापस लेना चाहता। वाह वाह, जियो बेटा, खूब कहा। मैं भी सोच रहा हूँ कि अपना नाम चुनाव से। ठीक ही तो सोचा है। नहीं, 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 नहीं। अभी सोचा नहीं है, अगर सोचूं नहीं तब कलंकार। रुपया और प्रभाव ही सब कुछ नहीं है, धर्म भी कोई चीज है। धर्म की नुमाइंदगी आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? भाई, जैसी तुम लोगों की इच्छा। अरे, रुपया किसी को भी मिले, लेकिन गांव का भला हो, यही उद्देश्य है ना। और रजत जी, मुझे तुमसे भी कुछ कहना है। गांव के नौजवानों की तरफ से तुम्हारा खड़ा होना बहुत जरूरी है, इसमें बड़ों की कोई बेइज्जती नहीं। अच्छा, अभी जाग दीजिए। नमस्ते सीमा बेटी, आज एक कप चाय पिलाओगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पानी उबल ही रहा है, मैं भी बना के लाई। अच्छा, बहुत खुश नजर आ रहे हो। तुम्हें कैसे पता चला? अचानक चाय पीने का शौक जो हुआ। बहुत खुश होते हो तो चाय पीते हो? हाँ, पिछली बार शायद उस वक्त चाय पी थी जब बड़ी लड़की का ब्याह पक्का हुआ था। नहीं, उसके बाद एक बार और पी थी जब 5 रुपल्ली की तरक्की हुई थी। अरे हाँ, कल रात मैं तुमसे जिस चिट्ठी के बारे में कह रहा था, उस चिट्ठी के साथ मेरे नाम 5 लाख रुपए का चेक आया है। तुम्हें जरा भी ताज्जुब नहीं हुआ? इसमें ताज्जुब की क्या बात है, 5,000 रुपए होते तो शायद होता, जरूर किसी ने मजाक किया होगा। अरे मजाक नहीं, एकदम असली चेक है, और चेक के साथ में एक चिट्ठी, उसमें लिखा है कि गांव के सबसे अच्छे आदमी को ये रकम दे दी जाए। बस मैं गांव के 5 बड़े जन इकट्ठा करके मैंने चेक उनके हवाले कर दी। तो ये 50,000 रुपए की रकम तुम दे के चले आए, अपने लिए कुछ नहीं रखा? 50,000 नहीं, 5 लाख। 5 लाख क्या पिताजी, माँ के लिए पेनिसिलिन की बात कर रहे हो? नहीं बेटी, रुपए के बारे में बातचीत हो रही है। तुम कैसी बातें कर रही हो, उस रकम में से मैं अपने लिए कैसे रख सकता था? यही देखो ना, रोज इंश्योरेंस मनी ऑर्डर के कितने रुपए मेरे पास आते हैं, उनमें से क्या मैं रख लेता हूँ या रख सकता हूँ? कभी कभी तुम नासमझी की बातें कर जाती हो। हाँ हाँ, मैं नासमझ हूँ, मुझे सब क्यों कहने लगे? मैंने तुमसे कुछ पूछा था?
मैं तो हमेशा की मरीज हूँ, मेरे लिए नहीं बेटी का तो कुछ ख्याल किया होता, पैसे के लिए तुम मुझे बूढ़े के हवाले किए दे रहे हो। हाँ मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है, हे भगवान तुम मुझे उठा क्यों नहीं लेते, मेरे मरने पर तुम मेरे भर भर के चाय पीना। ऐसा शानदार जिनका महल हो, 5 लाख दे देना, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है सरकार। बकुमार हुजूर, आप है राधानगर गांव के ज्ञानी ध्यानी दानी जमींदार राय बहादुर सिंह तांडव प्रवक्ता, आप हुजूर से मिलने आए। मैं हुजूर नहीं हूँ, हुजूर का सेक्रेटरी हूँ, आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? हमें सर जेसी रॉय से मिलना है। वो यहाँ नहीं है, बाहर गए हैं। कब आएंगे? वो आज भी आ सकते हैं, कल भी आ सकते हैं, एक महीने के बाद भी आ सकते हैं, या फिर एक वर्ष के बाद भी आ सकते हैं। सुनिए, कहिए। हम दरअसल ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने 5 लाख रुपए का चेक राधानगर भिजवाया है, क्या ये सच बात है? हो सकता है, वो सब कुछ कर सकते हैं। नमस्ते। चिट्ठी नहीं आई तो बरसों नहीं आई, और आई तो ऐसी हलचल के साथ। इसको कहते हैं 100 सुनार की 1 लोहार की। अरे अपने आप क्या बड़बड़ा रहा है? ये कह रहा हूँ राजा, क्या आपने भी तकदीर क्या पाई है? यकीन मानिए मेरी तो आंखें फिर गई, एक एक की दो दो चीजें दिखाई दे रही हैं। सुबह एक प्याला चाय ला रही थी सीमा, मुझे दो दो दिखाई दे रहे थे। कसम से राजा, इस वक्त तो आप भी मुझे दो दो दिखाई दे रहे हैं। अरे मुझे तो अकेले संभलते दुश्वार हुआ जा रहा है, और तुझे दो दो नजर आ रहा हूँ। सच कहता हूँ दादा, दो तो क्या, आप जैसे 10 आदमी भी सारी जिंदगी इतनी बड़ी रकम खत्म नहीं कर सकते। पोस्टमास्टर, अजी ओ पोस्टमास्टर। बैठे पंडित जी, हाथ धोकर आ रहा हूँ। आओ अन्नपूर्णा, इतनी बढ़िया बैंगन की तरकारी तुम्हारे हाथ की बनी हुई अब हमें कहाँ मिलेगी? क्यों चाचा, तुम ऐसे कहीं जा रहे हो? अरे मैं तो नहीं जा रहा हूँ, जा तो तुम रही हो। 5 लाख रुपए की रकम मिली है तुम्हें, इस गांव में रहोगी। तुम भी चाचा ऐसे ही हो, वो पैसे हमारे थोड़े हैं। दादा कल इतवार है, अगर आप छुट्टी दे दें तो माँ से मिलाऊं। अच्छा चले जाना, लेकिन खाना खा के पहले आज की डाक बांटाऊ। हाँ हाँ वो तो बांटा हूं मैं। मालिक आ गए। ये तो हरा धन का भेष बना रहे। हरा धन? हरा धन कौन? तुम पर चलो सब बता दो। 1.5 महीने से कहाँ गायब था, न चिट्ठी न खबर, मेरी तो आ ही जा जाएगी। ये क्या पागलपन फिर से शुरू कर दिया है तूने? कहाँ था 1.5 महीने से? तुम्हारे ही काम के लिए गया था मैं। मेरा काम? हाँ तुम्हें याद नहीं, पिताजी की वसीयत के मुताबिक वो 5 लाख रुपए का चेक जो राधानगर मैंने भेजा था, उस वक्त तुम्हीं ने कहा था कि ये रुपया किसी गलत आदमी के हाथ में ना पड़ जाए, इसलिए मैं वहां गया। वहां जाके पोस्ट ऑफिस में एक डाकिया की नौकरी कर ली, और वहां से छुट्टी लेके अब अपनी माँ के दर्शन करने के लिए आया हूँ। लेकिन तुझे इस पोशाक में देखकर मुझे बड़ा डर लगने लगता है। डर लगने लगता है क्यों माँ? कुछ ऐसी ही पोशाक में तेरे पिताजी को वो गाँव छोड़ना पड़ा था, इसलिए अब तुझे उस जिंदगी के नजदीक जाके देख मेरा रोम रोम कांपता है। माँ तुम बहुत ही भोली हो, मैं को असली डाकिया थोड़ी बन गया हूं, ये तो एक स्वांग है, देखो तो सही तमाशा क्या क्या होता है। कब तक देखूं ये तमाशा? बेमतलब इसी किस्म के चक्करों में आज तक तूने दिन काट दिए, न शादी की न घर बसाया, क्या जिंदगी के आखिरी दिनों में भी मुझे शांति नहीं मिलेगी? उतार दे स्वांग, खत्म कर दे ये तमाशा,
दामोदर। जी रानी मां। साहब के नहाने का इंतजाम करो। जी रानी मां। अरे ये चावल तो बिल्कुल ठंडे हो गए, तुम खड़े खड़े देख क्या रहे हो? जानते नहीं मेरा बेटा ऐसे चावल नहीं खा सकता। खा सकता हूँ माँ, ठंडे चावल, गरम चावल, मोटे चावल, पतले चावल सब खा सकता हूँ। आजकल हर किस्म का खाना खाने की आदत हो गई है मुझे। आज तो खाना बिल्कुल मेरी पसंद का बना। आज ही नहीं बना, रोज बनता रहा। तू तो एक दिन कुछ कहे बगैर ही गायब हो गया, लेकिन मैंने ताकीद कर रखी थी कि तेरे पसंद का खाना रोज तैयार रखा रहे। जाने किस दिन तू वापस लौट आएगा, मैं तेरा स्वभाव खूब जानती हूँ। सर, धनबाद से हमारे कॉलेज मैनेजर के 3 टेलीग्राम आ चुके हैं, वो ये जानना चाहता है कि आप कब यहाँ तशरीफ लाएंगे। मैं यहाँ नहीं हूँ जी। मैं कह रहा हूँ कि कह दो कि मैं यहाँ नहीं हूँ, कल ही चला जाऊंगा। ओहो, चैन से खाना भी नहीं खाने देते बेचारे को। शशि घर में है क्या? डॉक्टर साहब आप मेरे यहाँ? अरे इसमें हैरान होने की क्या बात, सुना तेरी बेटी बहुत बीमार है, मोहल्ले में एक मरीज को देखने आया था, सोचा तेरी बेटी को भी देखता चलूं। क्या हालत बना रखी है, अरे मार डालेगा क्या? क्या करूं डॉक्टर साहब, बर्तन भांडा था सो तो बिक गया, जब पैसे हो तो इलाज हो, बस खून के आंसू रोया करता। चल बाहर चल। देख शशि तेरी लड़की की हालत बहुत खराब है, लेकिन तू फिक्र न कर, मेरी दवाई से बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये ले गोलियां, हालिफ विलायती है, हर 2 घंटे के बाद 1 गोली दे देना है? और कल मैं फिर देखने आऊंगा, अगर जरूरत हुई तो सुई भी लगा दूंगा। लेकिन डॉक्टर साहब पैसे? अरे तू फिक्र न कर, तुझे पैसा नहीं देना पड़ेगा। अरे दुनिया में पैसा ही तो सब कुछ नहीं है, धर्म भी तो कोई चीज है। मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ, तुम लोग अपना फर्ज याद रखो, क्या समझा? आपकी दया कभी नहीं भूलूंगा डॉक्टर साहब, आप तो सचमुच भगवान है। इसमें कोई शक नहीं, डॉक्टर साहब तो गलती से मृत्यु लोक में आ गए, वहाँ स्वर्ग में इनके लिए हाहाकार मचा हुआ। अरे तू यहाँ कैसा रहे? आपकी साइकिल देखी डॉक्टर साहब, ये चिट्ठी है आपकी, इसलिए आ गए। अरे देख सुन चल अंदर, जरा तेरी आंखें बहुत पीली नजर आती है। पीली हो सकता है डॉक्टर साहब, आजकल इस गांव में भांत भांत के रंग दिखाई देते हैं ना, तो काली पीली लाल हरी सब हो सकती है। तो अच्छी बात नहीं, तेरा हजमा ठीक है? सब चीजें हजम नहीं होती, खास करके हमदर्दी, अगर इसकी कहीं ज्यादती हो जाती है तो खट्टी खट्टी डकारें आने लगती ना। जी कुल मिला के बकाया लगान है 10,500। अभी अभी फसल कटी है, जरा सी कोशिश की जाए तो 6,000-7,000 तो यूं वसूल हो सकता है। और फिर आपकी साली साहिब आ रही है, उनके लिए जो आपने चिट्ठी। नायब जी, जी आजकल लगान वसूल करना आसान काम नहीं है, और फिर हम किसानों से झगड़ा करना नहीं चाहते। हुजूर आपकी चिट्ठी। नायब जी थोड़ा सा पानी पिलवा दीजिए। अरे ये तो जनता की चिट्ठी है, वो आ रही है। कब आ रही है हुजूर? लिखा है आने से पहले तार कर देंगे। नायब जी गला बिल्कुल सूख गया है, थोड़ा सा पानी मंगा दीजिए। ओह अरे गोपाल जो जो एक गिलास पानी देना, पीतल के गिलास में। हाँ 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 नायब जी आज जो देखा तो आंखें जुड़ा गई, वो आदमी नहीं देवता है। सारे लोग जय जयकार कर रहे हैं, सबका यही ख्याल है कि अगर इस गांव में कोई आदमी अच्छा है तो बस वही है।
कौन है, कौन है वो? जी वही मैं जिनका जिक्र कर रहा था। घर घर जा रहे हैं, सड़कों पर लोगों को रोक के परोपकार कर रहे हैं। लेकिन बताता क्यों नहीं, कौन है वो? क्यों, सारा गांव जानता है अपने डॉक्टर बाबू। डॉक्टर? कौन सा तीर मारा है डॉक्टर ने? इलाज, मुफ्त इलाज। कुछ मर्ज हो या ना हो, मगर वो तो इलाज करे ही चले जा रहे हैं। कहते हैं कि हम तो परोपकार करेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। वाह, इस कलयुग के जमाने में ऐसे आदमी कहां मिलते। मक्कार कहीं का जी, तुम जा सकते हो। नैतिक जी, 10,000 रुपए का नाम सुनते ही तुम्हारे मुंह में पानी भर आया था। तो फिर उस... फेर वेर कुछ नहीं, सारे गांव में ढंडोरा पिटवा दो और कह दो मैंने सबका लगान माफ कर दिया और हमारे दौरे पे जाने का इंतजाम कर। जो कहीं का देखे को देख। क्या कहता है रे? अजी मैं ही नहीं, सारा गांव कह रहा है। साथ साथ दानवीर करण, किसी शर्त के बगैर सारे लगान माफ कर दिए। क्या किया? किसी शर्त के बगैर सारे लगान माफ कर दिए। जरा सोचिए तो, ऐसा जमींदार कहीं मिलेगा? सुवर कहीं का मरने के बाद छछुंदर का जन्म लेगा। ठेकेदार जी, पिछले सारे प्लान रद्द कर दीजिए। गांव की तमाम सड़कें सीमेंट की बनेंगी, 6 के बदले 20 ट्यूबवेल लगेंगे, हर मोड़ पे एक एक। और अच्छा, बाकी बातें शाम को समझाऊंगा। नालायक मगरमच्छ कहीं। भगवान, सुना तुमने हराधन क्या कह दिया है? तुमसे तो कुछ भी छुपा नहीं है प्रभु। ये डॉक्टर पक्का बदमाश है और भंज एक नंबर का 420। अब रहा जमींदार, ये बहुत ही भयंकर आदमी है प्रभु, बहुत ही भयंकर है। इन सबों से अकेला मैं कैसे टक्कर ले सकूंगा प्रभु? मुझे नाथ के तो तुम ही नाथ हो। भगवान, कुछ ऐसी माया फिरा दो कि सारे गांव के वोट मुझे ही मिले। अगर ये रकम मुझे मिल गई प्रभु, तो तुम्हारा मंदिर सोने से मढ़वा दूंगा, सोने से प्रभु। जय दीन बंधु, जय दयालु, जय दया सिंधु, जय प्रभु। अरे छिदाम, पाव भर गुड़ तो देना भैया। आइए वैद्य जी। गणेश, ओ गणेश, अंदर से बढ़िया गुड़ ला रहे। कहो मुकंदा, क्या चाहिए तुम्हें? 2 आने का तो मैदा और 4 आने का घालडा। घालडा क्या रे, डालडा क्यों नहीं कहता? अरे ठीक तो कह रहा है बेचारा, घालडा कहने से घी की थोड़ी सी महक तो आती है। लेगा काहे मैं? ये लो, 4 आने का डालडा और इतनी बड़ी हांडी। अरे मुकुंद, बहुत खर्च किए दे रहा है, इतना घी क्या करेगा? बात यह है कि आज मेरी घर वाली का जी पराठा खाने को कर रहा है, पाँव भारी है ना उसका, और आज मैं खुश बहुत हूँ। अरे तेरी बहू का तो हर साल पाँव भारी हो जाता है, इसमें इतनी खुशी की कौन सी बात? ना ना, वो बात नहीं, बात यह है कि जमींदार साहब का मुझ पर बहुत सारा लगान बाकी था और अब उन्होंने सुना है कि सबका सारा लगान माफ कर दिया है। सचमुच? हाँ। अरे मुकंद भाई, आजकल तो डॉक्टर ने भी इलाज मुफ्त शुरू कर दिया है। हद हो गई, आखिर बात क्या है? आप लोग नहीं जानते, उस गांव में एक नेपाली बाबा है, वो कहते हैं सज्जू फिर से लौटने वाला है। मेरा ख्याल है छिदाम, इसके पीछे जरूर कोई भेद है। इसके पीछे भेद है बैद जी, यही कि अचानक सब लोग गांव की भलाई करने पर तुल बैठे हैं। पहले तो रजत और उसके स्कूल के बच्चे ही गांव की चिंता किया करते थे। तो आप लोगों को मालूम नहीं है कि क्या बात है? क्या बात? क्या बात? बात ये है कि किसी पागल आदमी ने 5 लाख रुपए इस गांव में भेजे हैं कि यहाँ जो भी सबसे अच्छा आदमी हो उसको दिया जाए। लेकिन गांव में सबसे अच्छा आदमी कौन है, इसका फैसला कौन करेगा? अरे सभी अच्छे आदमी है मुकुंद, तुम इन सब बातों में मत पड़ो। अगर दुनिया में चैन से जीना चाहते हो तो तुम भी अच्छे आदमी हो, मैं भी अच्छा आदमी हूँ, ये भी अच्छा आदमी है, सब अच्छे आदमी है। क्या हवा चली बाबा रुत बदली, बाबा क्या हवा चली दे बाबा रुत बदली, शोर है गली गली, सौ सौ चूहे
खाए के बिल्ली हज को चली, क्या हवा चली बाबा रुख बदली, शोर है गली गली सौ सौ चूहे खाए के बिल्ली हज को चली, क्या हवा चली बाबा ओ बाबा रुख बदली ओ बाबा। पहले लोग मर रहे थे भूख से अभाव से, पहले लोग मर रहे थे, पहले लोग मर रहे थे भूख से अभाव से, अब कहीं ये मर न जाए अपनी खाओ खाओ से। अरे मीठी बात कड़वी लगे गालियां भली, क्या हवा चली क्या हवा चली रे बाबा रुख बदली, शोर है गली गली सौ सौ चूहे खाए के बिल्ली हज को चली, क्या हवा चली ओ बाबा। ऊपर आओ, अरे झिझकते क्यों, ऊपर आओ, ये मंदिर तो तुम्हारा ही है भैया, प्रसाद लो, भगवान के घर में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब बराबर। आज तो जहान की उल्टी हद एक बात है, उल्टी हद एक बात है, अरे हम जो कहे दिन है भाई लोग कहे रात है, लोग कहे रात है, रेत में भी खिल रही है प्यार की कली, क्या हवा चली क्या हवा चली रे बाबा रुख बदली, शोर है गली गली सौ सौ चूहे खाए के बिल्ली हज को चली, क्या हवा चली ओ बाप। फोन क्यों बदल रहे हैं, पुराना हो गया क्या? अरे कैश तो भाई को नए बोर्ड का मतलब समझा दे। अरे बुद्धू दिखता नहीं, लिखा है खैरा की दवा खाना, आइंदा गरीबों से एक कौड़ी नहीं ली जाएगी, डॉक्टर साहब मुफ्त इलाज करेंगे। आम में उगे खजूर, नीम में फले हैं आम, आम में उगे खजूर, अरे आम में उगे खजूर, नीम में फले हैं आम, डाकुओं ने जोग लिया चोर भजे राम नाम, होश की दवा करो मियां फजल अली, क्या हवा चली क्या हवा चली रे बाबा रुख बदली, शोर है गली गली सौ सौ चूहे खाए के बिल्ली हज को चली, क्या हवा चली बाबा ओ बाबा रुख बदली ओ बाबा। कौन? रजत बाबू है ना? जी हाँ, बात क्या है, आज आप खुद ही बत्ती साफ कर रहे हैं, वो बूढ़ा चंदन सिंह का क्या हुआ? जी उसे जरा बाजार भेज दिया है। घंटी क्यों बजाई आपने, कोई गाड़ी आ रही है क्या? हाँ 13 टाउन 6:45 पर यहाँ पहुंच रही है, आज तो आप यहाँ सुनने वाले हैं, वरना ये घंटी खुद ही बजाता हूँ और खुद ही सुन लेता हूँ। आइए बैठिए, कहिए क्या सेवा कर सकता। देखिए ये किताबों का पार्सल आया होगा, तो अभी तक तो नहीं आया, शायद कल परसों तक आ जाए, चाय पीजिएगा। और देखिए हाँ मत कह दीजिएगा, वरना चाय के लिए भी मुझे ही जाना पड़ेगा, ये तो मैंने रस्मी तौर पर पूछ लिया। कुली तो यहाँ नहीं मिलेगा मैम साहब। अरे यहाँ कुली नहीं मिलेगा तो सामान क्या मैं खुद उतारूंगी? नहीं नहीं
आप क्यों उतारेंगे? हटिए, मैं उतार देता। बेचारा। और सिली, कोई लेने भी नहीं आया। ये लो चारण है। मुझे दे रही हैं? सरकारी काम करता हूँ, गैर सरकारी काम का पैसा नहीं लेता। अरे बाबा, ये लो दो आने और छह आने, लो ना। अजी रहने दीजिए, इन छह आनों का शहद खरीद कर खा लीजिएगा, बातचीत में कुछ मिठास आ जाएगी। इडियट। लाइए मेरी झंडी दे दीजिए। आपका टिकट? ए, सुनो तो, तुम कहाँ जा रहे हो? ये सामान गाड़ी में रखवा दो। गाड़ी? कैसी गाड़ी? अरे बाबा, टैक्सी, रिक्शा, घोड़ा गाड़ी, कोई भी गाड़ी। अजी यहाँ तो आपको बैलगाड़ी भी नहीं मिलेगी। हाँ, नहीं मिलेगी? हाँ? मुझे तो राधानगर के जमींदार साहब के यहाँ जाना है। कैसे जाऊंगी मैं? राधानगर? अरे रजत बाबू, आप भी तो राधानगर ही जा रहे हैं। जरा जमींदार साहब के घर पर कह दीजिएगा कि उनकी साली, हाँ, उनकी साली साहबा तशरीफ लाई है, गाड़ी भेज दें। अच्छा मेम साहब, अंधेरा होने से पहले मुझे भी घर पहुंच जाना चाहिए, वरना आपकी भाभी, मेरा मतलब है मेरी धर्मपत्नी, भूत से बहुत डरती है। भूत? अरे अरे सुनिए तो, आप भी चले जा रहे हैं? जी हाँ। देखिए ना, अंधेरा होने को आया और इस सुनसान में अकेली लड़की। मगर मैं क्या कर सकता हूँ? मैं भी आपके साथ चलूंगी, यहाँ नहीं रह सकती, इरेस्पॉन्सिबल कहीं के। तार भेजा, फिर भी कोई लेने नहीं आया। अगर चिट्ठी लिखी होती तो पहले पहुंच जाती, तार तो यहाँ चिट्ठी के बाद पहुंचता है। क्या मतलब? मतलब ये कि तार घर यहाँ से 12 मील दूर है। मगर आप मेरे साथ कैसे जाएंगे? क्या 7 मील पैदल चलकर? चलना ही पड़ेगा, और क्या। लेकिन आपका सामान? आप जरा स्टेशन मास्टर से संभाल कर रखने के लिए कह दीजिए ना। अच्छा देखता हूँ। आप तब तक यहाँ बैठिए, मैं देखता हूँ। अब मुझसे और नहीं चला जाता। बस आएंगे, सिर्फ 3 मील और है। 3 मील? इम्पॉसिबल, ये जूते पहनकर तो मैं 3 कदम भी और नहीं चल सकती। ये लो, मैं तो बैठ गई, अब जाकर उनसे खबर करवा दीजिएगा। अरे ये मेरे पांव पे चंदा चंदा क्या गुजर गया? कुछ नहीं, सांप आप होगा। आ? सांप? ये देखो क्या मुसीबत। अरे सुनिए, तो इसमें डरने की क्या बात है? अरे तो बेहोश हो गई, क्या मुसीबत। ये देखो क्या मुसीबत। मैं कहाँ हूँ? सड़क पर। अब मेहरबानी करके उठिए। लेकिन मुझसे चला नहीं जाएगा। तो रात भर यहीं लेटी रहिए। ये किसकी आवाज है? सियार की। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। तो चलिए। मैंने कहा ना मुझसे चला नहीं जाएगा। साइकिल पे बैठकर चलिए। हम लोग गांव के हद में आ गए हैं, अब आप साइकिल से उतर जाइए, अगर किसी ने देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। ओह मास्टर जी, पार्सल लिया है? पार्सल? ओह नहीं नहीं, आप जमींदार साहब की साली हैं, मतलब ये है कि उनके यहाँ खबर नहीं पहुंच सकी, स्टेशन में खड़ी थी। अच्छा, नमस्ते। जो डर था वही। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो जो रोशनी दिख रही है ना, वो है जमींदार साहब की हवेली। अब आप खुद ही चले जाइए। क्यों, आप नहीं चलेंगे? जी नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
जमींदार साहब के मकान के सामने ही देखा था मैंने, मुझे देखते दोनों घबरा गए। लो वो खुद ही आ गए, मैं चला। सीमा जल्दी एक गिलास पानी तो पिलाओ, जानती हो किस मुसीबत में फंस गया था मैं। चेहरे से तो नजर नहीं आता, बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। क्या मतलब? मतलब ये कि सच बात भी तो कह सकते थे, पार्सल आया है ये वो, बहाना बनाने की क्या जरूरत थी। इतने में सब सुन लिया तुमने, मुझे क्या मालूम था। बस बस रहने दो, पानी पी के जाना। अरे बाप रे, सैंडल तो उसके रह गए। ये दीवार से टेक लगाए क्यों खड़े हो? दीवार से? हाँ दीवार से तो, यानी यहाँ बड़ी ठंडी हवा चल रही है ना। तुम्हारे हाथ में क्या है? हाथ में कुछ नहीं, खाली है। दूसरे में ये भी खाली है, कुछ नहीं है। बेटी सीमा, रजत आया है क्या? जी हाँ मैं। कुछ नहीं है, ऊंची एड़ी की सैंडल। वो तो मैं देख ही रही हूँ, निशानी के तौर पे मिले हैं क्या? समझती नहीं सीमा। रजत क्या मुसीबत है? इधर आओ बेटा। चाची जी मैं अभी आया। बड़ी दूर जाना है, पानी तो पीते जाओ। नहीं नहीं मैं जल्दी में हूँ। अरे नहीं उठो, नहीं तुम्हें आराम की जरूरत। मजाक है क्या? फूलसी मेरी लाडली बहन 8 मील पैदल चली है, हमेशा तो शहर में रही, नेम लोगों के स्कूल में पढ़ी, भला इससे ये सब। शर्म निकम्मे, कम वक्तों से स्टेशन जाते नहीं बना। अरे मैं एक एक को निकाल दूंगा। उन्हें पता होता तब तो। ये भी ठीक है जीजा जी, स्टेशन पर पाला पड़ा तो वो भी एक उजट गवार से, ना वो एटिकेट समझे ना शराफत। दीदी अब तो तुम्हारे गांव के नाम से ही कान पकड़े। शीयल ऐसी बात क्यों कहती है, ऐसा तो जन्म जनक गांव है, यहाँ कुछ है भी, जरा सा तार घर तक नहीं। अरे हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तार घर तो क्या, टेलीविजन तक लगवा दूंगा। जरा एक बार वो रकम तो मेरे हाथ आ जाए। कैसी रकम? तुझे नहीं मालूम, तेरे जीजा जी को 5 लाख रुपए मिल रहे हैं, 1000 रुपए की लॉटरी में। अरे लॉटरी समझ लो, हमें आम खाने से मतलब है। तब तो मुझे अमेरिका जरूर भेजना पड़ेगा। How great! अरे बैठो। मेरे अमेरिका जाने की बात? अरे हाँ हाँ, रुपए तो पहले मिलने दो। और तो मुझे किसी का डर नहीं, मगर वो स्कूल मास्टर। कौन? अंदर आओ। अरे रजत आओ आओ भैया, बैठो। अभी तुम्हारी याद कर रहे भाई, बहुत बड़ी उम्र है तुम्हारी। यह है मेरी साली अजंता, अभी स्टेशन से 8 मील पैदल चलकर आई और रास्ते में मिल गया था एक उजट धुआं, मार बिचारी को परेशान कर दिया। अजंता यह है रजत, यानी प्रोफेसर रजत सैन, गांव की भलाई के लिए स्कूल मास्टरी करते, अगर मैं गांव में ना होता ना तो सारा रुपया इनको मिलता। ये लीजिए जूते। जूते? कैसे जूते? जीजा जी यही तो रास्ते में। अच्छा जी हाँ। कितनी खुशी की बात है। जी हाँ बड़ी खुशी की बात। नमस्ते। अरे रजत, खैरो भाई मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। बैठो। कहिए। अरे भाई बैठो तो सही, बैठो। मैंने तय किया है कि मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा, मेरा मतलब है गांव सुधार सभा के लिए। तो भाई सच पूछो तो काम काज करने वाले तो तुम ही लोग हो, बाकी तो सब दिखावा। करो खूब करो, वो छोटी सी लाइब्रेरी है ना उसे खूब बड़ी लाइब्रेरी बना दो, माफ करना, औरतों के लिए एक वर्क हाउस बनाओ, और ये करो और वो करो, मेरा मतलब है कि सब कुछ करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहो तो अभी 10,000 रुपए ले। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो, तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें इतनी बड़ी रकम क्यों दे रहा। मुझे मालूम है आप क्यों मुझे रकम दे रहे हैं। क्यों नहीं मालूम होगा, काफी समझदार, का कहते ही कानपुर समझ जाते हो। लेकिन रजत मामला वो नहीं है जो तुम समझते हो, मेरा मतलब है कि मामला वही है जो तुम समझते हो। देखो रजत तुम इन झगड़ों में क्यों पड़ते हो, ये ठहरा रुपए पैसे का मामला, इसमें काफी दाव पेच की जरूरत होती है,
तुम यंग मैन हो, सिर्फ काम करो, कंस्ट्रक्टिव वर्क। तुम्हें कौम बनानी है। तुम्हें याद है कि गांधी जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि तुम्हें तो मालूम है उन्होंने क्या कहा था। मैं कुछ जल्दी में हूं, बाद में किसी वक्त। बाद बाद कुछ नहीं रजत, कौम तुम्हारा या मेरा इंतजार थोड़ी करेगी। तुम सब मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हें अपना राइट हैंड बना दूंगा। गांव सुधार के लिए तुम्हें जिस मदद की जरूरत होगी वो मैं तुम्हें दूंगा। तुम कुछ मत करो, सिर्फ चुनाव से अपना नाम वापस ले लो। ये तांडव की इज्जत का सवाल है। लेकिन अपने लिए थोड़ी, पोस्ट मास्टर जी से एक बार पूछकर बताऊंगा। तुम पोस्ट मास्टर की चिंता मत करो, उनसे मैं निमट लूंगा। तुम सिर्फ हाँ कह दो। जीजा जी, आप इन्हें चाय पिलाए बगैर भेजे दे रहे हैं। इन्होंने कितनी तकलीफ उठाई है मेरे लिए। अरे कौन जाने दे रहा है इन्हें, और ये जा कहाँ रहे हैं? तो मीठा लाओ, इनका मुंह मीठा कराओ। जी नहीं, माफ कीजिए, मैं अभी जल्दी में हूँ, बाद में किसी वक्त आ जाऊंगा। नमस्ते। तो आप इन्हीं के बारे में कह रहे थे? अरे हाँ, काफी छटा हुआ है, यूं हाथ नहीं आएगा। इसे देख लूंगा। ए गफूर, ए मियां गफूर। सलाम हजूर। सलाम। हजूर मैं क्या देख रहा हूँ, सूरज किधर से निकला है जो आपके कदम हमारे हाथ। चुप है, क्या बकता है? ए नाइब जी, अरे भाई ये हमारी प्रजा है, इन्हें क्या मालूम के घर बैठे बैठे हम इन लोगों के लिए कितनी चिंता करते हैं। हाँ देखो कफू, अब की बार ये सारे खेत जुतने चाहिए ताकि खूब फसल। कैसे हजूर, घर में जितना सामान था सब बेच बाच कर थोड़ा सा बीज इकट्ठा कर पाया जिससे सिर्फ एक ही खेत बोया जा सके। कमाल है। अरे भाई तुम अपनी तकलीफें मुझे क्यों नहीं बता? नायब जी, जी आज शाम तक इन लोगों को बीज मिल जाने चाहिए। जो हुक्म सरकार। चलो। यो फिर चाचा, लड़का कैसा है? ठीक है। रमेश की माँ, ओ रमेश की माँ, ये तुम्हारा 10 रुपए का मनी ऑर्डर आया है, यहाँ अंगूठा लगा दो। ये लो अपने 10 रुपए। जीते रहो बेटा, ईश्वर तुम्हें तंदुरुस्ती दे। मुझे क्यों दुआएं देती हो, अपने बेटे को दो जिसने मेहनत करके कमा के तुम्हारे पास भेजे। अरे हाँ हाँ, हम जानते हैं इन सबको जो आज दान भी कर्ण बन बैठे हैं, पूरा दिखावा है। 5 लाख रुपए मिलते ही हम अपने असली रंग में आ जाएंगे। लेकिन भाई इन उम्मीदवारों में एक आदमी ऐसा भी है जिसे सचमुच गाँव की भलाई प्यारी है, भला कौन है वो? अरे वो अपने गाँव के स्कूल मास्टर रजत भाई। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक, हमारे मोहल्ले के लोग भी यही कहते हैं। ये क्या ठेकेदार जी, परसों से आप इसी में लगे हुए हैं, ऐसे क्या हर काम होगा? अभी तो 10 ट्यूबवेल और लगाने होंगे हर मोहल्ले में, एक एक समझे? जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी करो बाबू। बाबू आप चाहे जितने भी ट्यूबवेल लगवा दें, इससे कुछ नहीं होने का। मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं होने का। अभी अभी मैं अपने कानों से सुन के आ रहा हूँ, सारे गांव वाले उस स्कूल मास्टर को ही अपना हितैषी समझते हैं। मैं उसका खून कर दूंगा चचुंदर कहीं का। ये कौन थी? जमींदार साहब की साली है। तभी शहरी ठाट है, मेरी तो आंखें चौंकी आ गई। तुम कैसा क्या उसको देख रहे हो? बंद कर। ए, ए, सुनो। जी मैम साहब। रजत बाबू का घर किधर है बता सकते हो? रजत बाबू का गया काम से। क्या कहा? अपने रजत बाबू का, वो लाल लाल मकान है ना जी, वो नहीं, उसके बराबर वो हरा सा मकान है। हाँ? वो भी नहीं, वो उसके पीछे एक 2 मंजिला मकान है। वो है? नहीं नहीं वो भी नहीं, उसके पीछे 1 मंजिल का मकान है, उसके पास से आप सीधे हाथ को चले जाइए, फिर उल्टे हाथ को घूम जाइए। इस गंवार से पला पड़ा है। जी मैम साहब। कौन थी वो चाचा? ये वो रजत बाबू की वो पार्सल। बच्चों अगर तुम सब मिलकर मेरे साथ मेहनत करो तो कुछ दिनों में ही अपना स्कूल भी इसी तरह एक आदर्श स्कूल बन सकता है। लेकिन मास्टर जी आजकल तो आप हमें ऐसे काम करने ही नहीं देते।
हाँ, कुछ कारण है जिसलिए ये काम अभी बंद रखना पड़ा है, लेकिन हम लोग फिर शुरू करेंगे। मास्टर जी देखिए, एक घोर सामान इधर ही चला आ रहा है। अरे बाप रे, ये तो वॉकिंग इधर आ रही है। चलो बच्चों, हम सब पिछवाड़े से भाग चलो। चल चल। हाँ असीम, तुम यही ठहरो और वो आकर कुछ भी पूछे नीचे नहीं आना, समझे? प्रोफेसर रजत सिंह हैं? नहीं तो। मालूम है कहाँ गए हैं? नहीं तो। अभी आने वाले हैं? नहीं तो। ये तो तुम्हें मालूम होगा वो कब आएंगे। अगर अब कहा नहीं तो तुम मारूंगी। बोलो, बोलते क्यों नहीं? नहीं तो, मुझे मालूम हो तब तो। अच्छा मिस्टर, नहीं तो एक कागज पेंसिल तो दो। दीदी, ओ दीदी, रजत भैया जो आए थे क्या? नहीं तो। बताओ ना कहाँ है, किधर है? मैं तो दूर दूर का थक गया। क्या बात? एक बहुत जरूरी चिट्ठी है। चिट्ठी? कैसी चिट्ठी? संविधान की हवेली में जो नई मैम साहब आई है ना, उन्होंने दी है। देखूं तो। आज मेरी सालगिरह है, शाम को इकट्ठे चाय पियेंगे, जरूर आना। अच्छा बताओ ना दीदी, कहाँ है रजत भैया? मुझे नहीं मालूम, जा ढूंढ ले उन्हें। बोलती क्यों नहीं, इस तरह मुंह फुलाए क्यों बैठी? लेकिन तुम तो बहुत खुश नजर आ रहे हो, गए कहाँ थे? ऐसे ही जरा टहलने फिरने, अंधेरे में क्यों बैठी हो? चलो मैं बत्ती जला देता हूँ। मैं जाती हूँ, तुम्हारी चिट्ठियाँ पड़ी रह गई। अरे हाँ, चिट्ठी के बारे में तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। जानती हो, जमींदार साहब की साली मिस अजंता खुद आकर मुझे चाय की दावत दे गई। जानती हूँ। चिट्ठी में तो सिर्फ चाय की दावत है, लेकिन वहाँ पहुँच कर जब तैयारी देखी तो हैरान रह गया। सारा खाना मिस अजंता ने अपने हाथ से बनाया था। चौप, कटलेट, ऑमलेट, केक, पेस्ट्री, तुम नहीं समझोगी सब अंग्रेजी खाने हैं। तो फिर मुझे बता क्यों रहे हो? ओहो, बिगड़ती क्यों हूँ? मिस अजंता सिर्फ अंग्रेजी खाना पकाने ही में माहिर नहीं, अंग्रेजी बोलती भी बड़े सर्राटे से है। नियमों के स्कूल में पढ़ी है ना, और पियोनों पर बैठकर जो गाना उन्होंने सुनाया तो वाह वाह, उठकर आने को मन ही नहीं हो रहा था वहां से। तो उठ क्यों आए? जाओ फिर चले जाओ वहीं। तुम तो जानते हो हम गरीब हैं, और उस पर मैं ठहरी अनपढ़ गंवार, न अंग्रेजी जानती हूँ, न अंग्रेजी खाना, न अंग्रेजी गाना। तुम जैसे अंग्रेजी पढ़े लिखे को भला मैं कैसे अच्छी लग सकती हूँ? ए लो, ये तो रो दी। सुनो तो। छू मत, जाने दो मुझे। ओहो, मेरी बात तो सुनती जा। अरे सीमा, जो कोई भी उसे कह दो बैंगिया नहीं। मास्टर जी कहाँ? जमींदार साहब याद कर रहे हैं, उनकी साली साहिबा ने मास्टर जी को चाय पर बुलाया था पर वो आए ही नहीं। दो घंटे से वहां चाय ठंडी रही, मैं उन्हें लेने आया हूं। मास्टर जी तो यहाँ नहीं है। नहीं है? चलो तो देखें। पर अभी अभी तो हमने उनकी आवाज सुनी थी। शायद आपको गलतफहमी हुई है, वो यहाँ नहीं है। नहीं है? तो फिर हम भी नहीं है। जमींदार साहब आज किसी की जान नहीं छोड़े हैं। चलो भाई, आज किसी की जान नहीं। जान बची।
अरे ये पति को क्या हो गया? नहीं समझी? वो मेरी पहली प्रेमिका है। जैसे तुम और किसी लड़की को मेरे पास नहीं सह सकती हो, शायद वैसे ही वो भी तुम्हारे मेरी नजदीक आने नहीं सह पा रही। सीमा एक गाना सुना तुम्हें। मुझे क्या पड़ी है, जो तुम्हें खुद दावत देने आई थी उन्हीं के यहाँ चले जाते। चाय नाश्ता तो मिलता ही, अंग्रेजी गाना भी सुन लेते। फिर तुम्हें रुलाता कौन? मुझे झूठ मूठ रुला के तुम्हें क्या मिला? कुछ नहीं मिला ही, कैसे कहूँ, तुम्हारे मन की था तो पा ली मैंने। अरे बारिश शुरू हो गई, कैसे जाओगी अब? रास्ता ही कितना है, मैं चली जाऊंगी। डाल है तो मैं भी पात पात सरदार साहब, मैंने दो दो जासूस छोड़ रखे हैं उस दुराचारी के पीछे। उन्होंने अपनी आंखों से देखकर मुझे बतलाया है कि वो निर्लज्ज लड़की सीमा उस स्कूल मास्टर के घर में बैठी हाहाही कर रही है। उस एक बदचलन लड़की की वजह से सारे गांव का चाल चलन खराब होने का अंदेशा है।
आप इसका कुछ कीजिए जमींदार। ठीक है, आप लोग अभी जाकर हेडमास्टर जी से मिलिए और उनसे कहिए कि कल सुबह ये स्कूल कमेटी की मीटिंग बुलवाएं। जी, मैं देख लूंगा इसे, रजत का मुंह काला कराकर खदे पर बिठाकर अगर इसे गांव से बाहर ना निकाला, मेरा नाम टांडा उत्तरदार नहीं। आप लोग जा सकते हैं। छी छी छी, फिर क्या हुआ? के बाद क्या होता, वही जो होता है, जाने कब से चल रहा है। कल शास्त्री जी और भंजू बाबू ने अपनी आंखों से देखा। इतनी जवान लड़की को घर में बिठाने से और क्या होगा, माँ बाप का कसूर है। इतनी उम्र में तो मुझे दो बच्चे हो गए थे। अरे पहली क्यों बुझा रही हुआ, आखिर लड़का कौन है? लो पूरी रामायण खत्म हो गई और पूछ रही है कि रावण कौन था। तो भी तुमने तो सब कुछ अब अपने कानों सुन लिया है। हाँ सुनो तो, तुम लोगों के मिलने जुलने की वजह से रजत की बदनामी हो रही है, सभी उसके पीछे पड़े हैं। अगर बोलना, रुक क्यों गई? मेरा कहना है चुनाव होने तक तुम दोनों एक दूसरे से ना मिलो तो अच्छा है। मैं ये बात रजत के भलाई के लिए कह रही हूँ। सीमा को तुम बहुत मानते हो, ये ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से अब तुम्हें हमारे घर आना जाना बंद कर देना चाहिए। लोग तरह तरह की बातें उड़ाते हैं, उनका मुंह कहां तक बंद कर दिया जा सकता है। मैं तो कहूंगा ऐसी झूठी निंदा की परवाह नहीं करनी चाहिए। जात बिरादरी में रहना है बेटा तो परवाह करनी ही पड़ेगी। सीमा की शादी की बात अब पक्की हो रही है, अब अगर उसकी बदनामी फैलेगी तो सोचो कितना नुकसान होगा। जी समझा। अच्छा मैं चलता हूं। ओ, ये आपकी दवा। सीमा, सीमा क्या मुझसे बात नहीं करोगी? देखो रजत, कुछ अरसे के लिए तुम इधर मत आओ। तुम भी यही चाहती हो? माँ आ गई तो? हाँ माँ। तेरे लिए क्या मुझे फांसी लगाकर मर जाना होगा? घर आकर लोग ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं कि डूब मरने को दिल करता। कल रात रजत के घर क्यों गई थी? ऐसा क्या जरूरी काम था? उसे मिलना जुलना बंद कर दे। रजत यहाँ आया था उसे भी मैंने यही कह दिया है। क्यों, किसी ने किया सवाल? नहीं कर सके? अच्छा तो ध्यान से देखो, मैं करके बताता हूं। मास्टर जी आपको हेडमास्टर साहब अभी बुला रहे हैं। अभी बुला रहे हैं जी। अच्छा चलो। नमस्ते जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बैठो। अचानक स्कूल कमेटी की मीटिंग बुलाई गई है, तुम्हारे खिलाफ बहुत बुरा इल्जाम लगाया गया है। क्या इल्जाम लगाया गया है? क्या इल्जाम, जैसे कुछ जानते ही नहीं। भाइयों, मैं तमाम सरपरस्तों की तरफ से कहना चाहता हूं कि जिसके हाथ हमने अपने बच्चों का चरित्र सौंपा है, अगर उसी का चाल चलन, यानी कि बहुत गंभीर बात है, यानी कि राष्ट्र निर्माण, यानी कि राष्ट्र का निर्माण। एक गिलास पानी। भेड़ के रूप में भेड़िया। सुनो रजत, इन सज्जनों ने तुम्हारे चाल चलन के बारे में सवाल उठाया है, इस बारे में तुम्हें क्या कहना है हम लोग सुनना चाहें। जी नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना। तुम कुछ न कहो तभी अच्छा है। तांडव बाबू, हम लोगों की क्या राय है आप ही बतला दीजिए। बताता हूं जी। सुनो रजत, पिछले 3 वर्षों में तुम्हारे बारे में जो कुछ जाना सुना और देखा है,
हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि तुम्हें खुल्लम खुल्ला कह तुम जैसा यानी कि तुम जैसा शरीफ और अकलमंद इंसान सारे गांव में नहीं। बैठो, आज हम लोग सब जमा हैं, इसलिए मैं इस बात पर जोर देकर कहूंगा कि तुम्हें बदनाम करने में चंद लोगों का अपना फायदा है। मेरी राय से हेडमास्टर जी भी मुत्तफिक होंगे कि रजत जैसा लोकप्रिय मास्टर इस स्कूल में दूसरा नहीं। ये बात सोलानी सच है सर। चुनाचे स्कूल कमेटी के प्रेसिडेंट होने की हैसियत से मेरी ये राय है कि रजत को स्कूल से निकालने का कुछ सवाल ही पैदा नहीं। जरूर, हम सब की यही राय है। कैसा धूर्त था ये तांडव, पेड़ पर चढ़ाकर सीढ़ी खींच ली बदमाश ने। असल बात ये है कि वो रजत को वश में करना चाहता है। अब एक ही उपाय है भंजू बाबू, अगर हम दोनों आपस में मिल जाएं, फिर देखो मैं एक एक को कैसा ठीक करता हूँ। नहीं तर्कलंकार जी, इस काम में मेल मिलाप से किसी को फायदा नहीं। फिर इसमें तो अलग अलग जोर दें तभी मजा है। अरे रजत जी, आज किसी वक्त घर आओ ना, कुछ काम है तुमसे। लेकिन जीजा जी, आज मैंने चाय पिए बिना नहीं जाने दूंगी। सुना तुमने, अगर फिर वही बात कहनी है तो मुझे माफ कीजिए। चलो गाड़ी वाला। नमस्ते। नहीं जीजा जी, इस तरह काम नहीं चलेगा। मुझे एक तरकीब सोची है। क्या तरकीब? तरकीब ये है कि अब के बार बसंत पंचमी का मेला बड़े शानदार तरीके से मनाइए और सारे गांव को वहां आने की दावत दीजिए। फिर देखिए मैं क्या करती हूँ। अगर आप सबसे ज्यादा पॉपुलर ना बना दूं तो मेरा नाम नहीं। क्यों, ठीक है ना? कैसा रहा खाना? क्या बात है खाने की, इतना बढ़िया बना है कि सब लोग उंगलियां चाट रहे हैं और आपकी जय जय कर रहे हैं। भाइयों सुनिए, आज पूरब के ओर जो मैदान है उस मैदान में 4 बजे बैलगाड़ियों की दौड़ होगी और जीतने वालों को इनाम दिया जाएगा। अंदर चलकर बैठे राधा कृष्ण का जोरदार नाच अजंता कुमारी आप लोगों के सामने अभी अभी पेश करेंगी। चलिए अंदर चलिए, ऐसा शानदार नाच बिना टिकट बिना दाम जो ना आज तक आप लोगों ने देखा होगा न देखेंगे। चलिए अंदर चलिए। ये
घर के किनारे लक्ष्मी देवी दर्शन देगी। आप सब लोग वहाँ पहुँच कर लक्ष्मी देवी के दर्शन से अपना जीवन सफल करें। बोलो लक्ष्मी देवी की, लक्ष्मी देवी की। ये क्या हुआ, क्या हुआ? देखिए ना जीजा जी, आप भी यहाँ के सब आदमी गंवार हैं, इडियट्स। ये क्या जाने आठ क्या होता है, मेरा इतना बढ़िया नाच बेकार गया। अरे तुम रो मत, मैं देखता हूँ मामला क्या है। तो लक्ष्मी भैया बोली, मैं आ रही हूँ। आज रात्रि के समय पदम पोखर के पूर्व किनारे आम के वृक्ष के नीचे मैं दर्शन दूंगी। मैंने कहा माता, मंदिर तो तुम्हारा टूट फूट चुका है, मैं तुम्हें बिठाऊंगा कहा। तो मैया बोली, बेटा तुझे इसकी क्या चिंता है, मैं अपनी स्थापना स्वयं कर लूंगी। मैया फिर बोली कि बेटा, आज 700 वर्षों से मैं इस पदम पोखर में पड़ी हुई हूं, परंतु बेटा मेरे प्रकट होने के बाद इस पदम पोखर का जल जिसे मिल दिया जाएगा। तेरी लीला सबसे न्यारी लक्ष्मी मैया, तेरी लीला सबसे न्यारी लक्ष्मी मैया, तुझ पे जाए वारी वारी लक्ष्मी मैया, तुझ पे जाए वारी वारी लक्ष्मी मैया, तेरी लीला सबसे न्यारी लक्ष्मी मैया। सोते जगते नाम तेरा, सोते जगते नाम तेरा, लेती है दुनिया सारी सारी, सोते जगते नाम तेरा, लेती है दुनिया सारी। तू ही पार लगाना, पार लगाना ये कागज की नाव हमारी लक्ष्मी मैया। हुजूर, हुजूर। और शट अप, बेईमान छछुंदर, बदमाश कहेगा, सबका पटरा बैठा दिया। अरे मुफ्त दवा देना बेकार हो गया। होगा नहीं, सर्कल अंकर जी प्रचार कर रहे हैं कि पदम पोखर का पानी पीने से रोगियों का रोग तो दूर होगा ही, साथ ही साथ पीने वाले भावसागर से भी तर जाएंगे। अरे पानी मांगे ननन भाई कंगना लालन के चोरी हो, मांगे ननन भाई। क्या देख रहे हो बंजू बाबू? देख रहा हूँ इस तालाब को, जिसका सड़ा पानी कोई छूता तक नहीं था, आज घड़े भर भर के लोग घरों में ले जा रहे हैं। ये सब लक्ष्मी माता की मेहरबानी है। हाँ हाराधन, देवी देवताओं से भला कौन जीत सकता है। ये लक्ष्मी मैया क्या निकली, हमारे किए कराए पर सब पानी फेर दिया। ये लक्ष्मी माता के निकलने की बात जो है जरा कुछ गहरी है। गहरी? कैसे गहरी? यही दो तीन हाथ गहरी होगी। ए हरधन सुन तो, ये दो तीन हाथ गहरी से क्या मतलब? मतलब ये कि जहाँ से लक्ष्मी माता निकली थी ना, उस जगह को जरा आंख खोल कर देखिए। जय लक्ष्मी माता। खोद। अच्छी तरह से खोद। कौन है इतनी जाती?
दरवाजा खोलिए तर्क अलंकार जी, मैं हूँ भंज। भंज बाबू, इस समय आपके लिए एक भेंट लाया हूँ। भेंट इधर ले आ। क्या किधर? आपकी बाड़ी में इस साल बैगन ज्यादा आए हैं क्या? बैगन नहीं तर्क अलंकार जी, हाँ? आपके लिए ऐसी सौगात लाया हूँ जो सदा याद रहे। क्या? ये देखिए चने। जी हाँ, चने, फूले हुए चने, काबुली चने। जहाँ से लक्ष्मी जी की मूर्ति निकली थी ना, वहाँ से अब चने निकल रहे हैं। लक्ष्मी जी का ये प्रसाद थोड़ा सा आप रखिए, बाकी सारे गांव में कल बटेगा। ये लक्ष्मी जी की मूर्ति, चने, भंजू बाबू कुछ समझ में नहीं आया। अभी समझ में आ जाएगा। गड्ढा खोदो, चने भर दो, उसमें डालो पानी, फिर लक्ष्मी जी की मूर्ति रखकर मिट्टी से ढक दो। जब पानी से भीग कर चने फूलेंगे, लक्ष्मी जी को मिट्टी से बाहर निकलकर सबको दर्शन देना ही पड़ेगा। कुछ ख्याल में आया आपके? जी चाहता है सारे गांव में ढढोरा पिटवा दूं और आपको गांव से बाहर निकला दूं। परंतु भंजू बाबू, इससे आपको क्या लाभ मिलेगा? अरे लक्ष्मी देवी की कृपा से मैंने जो नाम कमाया है, उससे आपको भी तो सहायता मिल सकती है। आप मेरे साथ भीतर आइए, आपसे जरूरी बातें करनी है। नारायण नारायण। बैठिए बैठिए। बात ये है भंजू बाबू कि अगर आप ये भेद खोल देंगे तो मेरी तो नाव डूब जाएगी और इससे आपको क्या लाभ होगा, और हम दोनों के झगड़े में शत्रुबाजी मार ले जाएंगे। हाँ, और अगर आप चुनाव में मेरे पक्ष के लिए अपना नाम वापस ले लें तो लक्ष्मी मैया की कृपा से मेरी जीत निश्चित। मैं अपना नाम क्यों वापस लूं? आप समझे नहीं भंजू बाबू, ये बात तो बाहर वालों के लिए, भीतर से तो हम आप एक ही रहेंगे। और जो कुछ मिलेगा उसमें आधा आपका और आधा मेरा। तरकीब तो तेरी ठीक है। तू पदम पोखर के पानी में मिला देगा जुलाब की दवाई, और जब वो लोग पियेंगे तो उनके पेट में होगी गड़बड़ और उन्हें मजबूरन मेरे पास आना पड़ेगा, वोट खा जाएंगे। क्या है? अमृत है अमृत। जग्गू की माँ बोल रही थी, उसने अपने बीमार बच्चे को पानी पिलाया तो उसका बुखार उतर गया। सब लक्ष्मी माँ की कृपा है। पेट के दर्द के मारे मर गया डॉक्टर साहब, मुझे बचा लीजिए डॉक्टर साहब, बचा लीजिए। क्यों, अब मेरे पास क्यों आए तुम? जहाँ उसी तालाब का सारा हुआ पानी पियो। अब हम उधर कभी नहीं जाएंगे डॉक्टर साहब, इस बार हमें बचा लीजिए। जानते हो आम तौर पर इस बीमारी से कोई नहीं बचता, पर मेरे पास इसकी दवा है और मैं उसका पैसा भी नहीं लूंगा। पर तुम लोगों को बचाने में मेरा क्या फायदा? आप जो कहेंगे हम वही करेंगे डॉक्टर साहब, इस बार हमें बचा लीजिए डॉक्टर साहब। वो तो ये लोग सब आप ही को देंगे। जी हाँ। आप कहें तो आपके लिए जान भी दे देंगे सरकार। तो फिर याद रखना, क्या समझे? मुझे इस पर बिल्कुल फुर्सत नहीं। क्या बात है, जल्दी बताओ। मुंह खोलो। मैं कहती हूँ मुंह खोलो। केशतो तू भी मुंह खोल। मैं तो कुछ नहीं। चुप, मुंह खोल। जय मां लक्ष्मी। क्या पिया मालूम है? क्या पिया? वही परम पुखर का पानी। आप नहीं समझते हैं। नारायण नारायण, ये जा बेटा, ये जा मालिश, ये मोटी टोन जरा तो छोटी हो जाए। मुझसे कुछ कहा आपने? नहीं भंजू बाबू, अब कहूंगा। भुजबल जी को साथ लाया हूँ। नमस्ते। यूं ही अचानक आके? नहीं, मेरा कहना था। ए बेटा, तू जरा ब्राह्मणों के हुक्के में तंबाकू तो भर ले, जा जा। मेरा कहना था कि राजपाट तो हाथ आ ही गया, अब लगे हाथ राजकन्या का प्रबंध भी क्यों न कर ले। मैं कुछ समझा नहीं था कलंकार जी। अरे भाई, तुम्हारे डर के मारे भुजबल जी निवारण पर कुड़की लाने से झिझक रहे हैं। जी हाँ, मैंने सुना है कि पोस्ट मास्टर रिश्ते में हाथ के कुछ होते हैं, इसलिए मैंने कहा बगैर पूछे। रिश्ता है तो क्या हुआ,
कानून अंधा होता है। कुड़क अमीन को बुलाकर जो कुछ बर्तन भाड़े हैं सब नीलाम करवा दो। हाँ, जैसा आप कहें। तो मैं अब जा सकता हूँ? अब आप जाइए, शुभ कार्य में देर नहीं करना चाहिए। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। अब देखना है कि उस लौंडे में कितना दम है, कब तक उस छोकरी को बचाता रहेगा। नारायण। आज सुबह से ही बेचारी की देह गर्म हो गई। इसके जिम्मेदार तुम हो। मैं? हाँ, आजकल सारे देहात को तुमने गर्म कर रखा है। भाभी बेचारी की देह भला क्यों नहीं गर्म होगी। वाह 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 वाह, 5 लाख का क्या चक्कर चला दिया है तुमने। गांव के सभी मुखियों को चुनाव में भिड़ा दिया और खुद आराम से किनारे हो गए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला मेरी क्या हस्ती उन बड़े आदमियों के मुकाबले में चुनाव में खड़ा होता। अरे भाई, राम जाने कौन बड़ा है और कौन छोटा है। अच्छा, फिक्र मत करो, मैं दवाई भेज देता हूँ, बुखार अभी अच्छा हो जाए। दादा एक अर्ज, छुट्टी के लिए? अभी छुट्टी नहीं मिलेगी, सिर्फ एक दिन के लिए माँ से मिलने को जाना है। चला जाने दो बेचारे को, माँ से मिलने जा रहा है ना। अच्छा जा, एक दिन से ज्यादा मत लगाना, समझा? जा। आ गए। आ गए? हाँ, बाहर आइए, चलिए। नमस्कार। नमस्कार। इतनी देर कहाँ करती तुमने, जल्दी पहुंचो ना वहाँ। सुनो भुजबल जी, डाक खाने के सरकारी कागजात के अलावा कुछ मत छोड़ना वहाँ, हम भी ठीक वक्त पर पहुंच जाएंगे। जाओ जी। बहुत अच्छा। कैसी आवाज थी? जरूर जरूर कुर्की वाले आए। कुर्की वाले? कैसी कुर्की? मुझे मुझे सब कुछ पता है। आज गोपू की माँ कह रही थी उस मुए भुजबल को कुर्की की डिग्री मिल गई है। तुम बाप बेटी तुम उससे सब कुछ छिपाते रहते हो। कैसी बातें करती हो माँ? बेटी बेटी मेरी बात मान ले, अपने बाप से कहे कि उन 5 लाख रुपयों में से भुजबल का कर्जा चुका दे और इस मुसीबत से तो जान छुड़ा ले, नहीं तो वो हमारे बर्तन भांडे सब कुछ उठा ले जाएगा। वो रकम तो हमारी है नहीं, फिर हम कैसे उसे अपने काम में लाएं? लेकिन तुम चिंता ना करो माँ, तुम्हारा बुखार बहुत तेज हो चुका है, तुम आराम से। बेटी सीमा, दरवाजा बंद कर ले। पिताजी कहाँ जा रहे हो? चिट्ठियां बांटने। इस वक्त? क्या करूं बेटी, तू तो जानती परसों से हरदन छुट्टी पर गया हुआ है, लोगों की कितनी जरूरी चिट्ठियां होंगी, सोचा मैं ही बांटूं। लेकिन पिताजी माँ का बुखार तो बहुत तेज हो गया है। अच्छा, जाते हुए डॉक्टर से कह दूंगा और जितनी जल्दी हो सके लौट भी आ। अच्छा। जोर से बजाओ, जोर से बजाओ, जोर से बजाओ। जवाहरलाल चलो अंदर, नोटिस लेकर सरकारी प्यादे आ गए हैं। क्यों? तुम्हारा सामान नीलाम कराने, और क्यों? लेकिन मेरी स्त्री की तबीयत बहुत खराब है, अगर आप 2-1 दिन की मोहलत हैं तो। सरकारी प्यादे आए हैं तो वो खाली हाथ थोड़े ही लौटेंगे। चलो जी अंदर, चलो। पिताजी तुम अंदर जाओ, मैं अभी आती हूँ। यकीन करो रजत, मुझे धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपने चरणों में रहने। सीमा, बिस्तर बिछौना जो कुछ भी है बाहर निकालो। सरकारी कागजात छोड़कर सर उठा लो, किसी की लड़ लो। चल। Thank you.
देख सर, सरकारी आदमी से झगड़ा नहीं करते। अब हमारे सामान की कुर्की हो गई, अब हमारा कुछ नहीं रहा। मैं तुम्हें नया तो तला दूंगी, तू बाहर जाके खेल जा। अरे वो तखन निकाल के बाहर ले आना और रसोई के सारे बर्तन बाहर ले आ, कुछ अंडे बाकी रहे। आप जरा आहिस्ता बोलिए, माँ की तबीयत बहुत खराब है, इतनी मेहरबानी कीजिए। सीमा उठो मत माँ, लेटी रहो। ये बाहर लोग क्या गोलमाल करो। कुछ नहीं माँ, तुम लेटी रहो, मैं हवा करती हूँ। हमारे बासन बाहर कौन ले जाओ। कुछ नहीं माँ, तुम लेट जाओ। तुम लोग मुझे छुपा रहे हो, जरूर कुर्की लेकर लेट जाओ। मैं देखती हूँ कैसे हमारा सामान ले जाते हैं। जी। राधा माँ बेहोश हो गई है, जरा उनका ख्याल रखना, मैं अभी आती हूँ। पिताजी रसोई में अच्छी तरह देखो। पिताजी घबराहट में माँ बेहोश होकर गिर गई। पिताजी तुम पत्थर हो गए हो क्या? जाओ भुज बाबू से कह दो कि अगर वो हमें इस मुसीबत से बचा सकते हैं तो मैं उनसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ पिताजी, एक पल भी देर न करो। मेरी खुशी की परवाह मत करो। मेरे कारण अगर माँ की जान चली गई तो मेरे लिए इससे बड़ा दुख और कोई नहीं होगा। निवारण, अरे कहाँ हो भाई? है? अरे ये सब क्या? अरे ये सब क्या कर रहे हैं भुजवाल? गांव में मेरे रहते हुए तुम्हारी ये मजाल? आप तो सब जानते ही हैं, बताइए मैं क्या करूं? इसमें मेरा है क्या? तो जरा सी रकम के लिए किसी का घर लूट लोगे? बस बंद करो ये सब और आओ इधर आओ। चलो इधर, ये सब बंद करो जी। रखो, कितने रुपए हैं तुम्हारे बाकी इनके तरफ? ये सूद मिलाकर 2600 रुपए। बस दिया। सिर्फ इतने रुपए के लिए तुम एक शरीफ आदमी की इज्जत पर हाथ उठा रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारी रकम मैं अभी दे देता हूँ। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। आप अपनी रकम वापस ले जाइए, मैं आपके रुपए नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। मैं लूंगी वो रुपए, मुझे दे दीजिए। सीमा, मैं सड़कों पर मारा मारा फिरूंगा, मैं भीख मांगूंगा, मगर सीमा मैं तुझे नहीं बेच सकता। बेटी मैं तुझे नहीं बेच सकता। पिताजी, ना रो बेटी, धीरज कर, भगवान सब ठीक कर देंगे। जा अंदर जा, जा। नारायण नारायण, ये ऐसा ओछा विचार तुम्हारे मन में आया कैसे निवारण? हैं? हम लोगों के होते तुम अपनी लड़की को क्यों बेचोगे भला? तुम ये क्यों नहीं सोचते कि ये रुपए तुम कर्ज में ले रहे हो? अगर ये रकम भंजू बाबू बिना किसी शर्त के। हाँ हाँ निवारण, बुरे वक्त में ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए। पहले इस मुसीबत से छुटकारा पा लो, फिर आगे देखा जाएगा। भंजू बाबू आप रुपए दे दीजिए भूतपल को। ये लो गुजर, और अपने आदमियों के साथ इसी दम यहां से चलते नजर आओ। हाँ, इसे कहते हैं दयालु स्वभाव। नारायण नारायण। सीमा सीमा, लो मैं रुपए ले आया हूँ, दे दो उन लोगों को। आपकी बड़ी मेहरबानी, लेकिन अब इनकी जरूरत नहीं। दुनिया में आपके अलावा भी रुपए देने वाले लोग हैं। तुम क्या कर रही हो सीमा? दया करके चले जाइए ना। ये लीजिए अपने रुपए, अब इनकी जरूरत नहीं। अब क्या हो सकता है? तुमने अपना नाम चुनाव में से वापस ले लिया, दस्तखत करके तुमने रुपए लिए थे, अब तो प्रचार भी शुरू हो गया। अब बेफिक्र रहिए, अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। मेरी मन से दिल
चल तू मेरे लाडले, ओ मेरे लाडले। के लिए रजत भैया एक अच्छे आदमी थे, उन्होंने भी अपना नाम वापस ले लिया। भैया ये सब पैसे की माया है, पैसे की। अरे पगले, ये पैसे की नहीं, सब साली की माया है। हाँ समझे। आइयो, एक जरूरी ऐलान। बता तुमने ऐसा क्यों किया? जो अच्छा समझा वही मैंने किया, तुम्हें इसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसा कहते हुए? मामूली सी बात के लिए तुम गांव की भलाई को भूल बैठे। प्लीज सीमा, चली जाओ यहाँ से, मैं गांव छोड़कर जा रहा हूँ। गांव की बुराई भलाई अब तुम ही लोग सोचो। तुम इसे बहादुरी की बात समझते हो ना? मैं ही जानती हूँ किस तरह मैंने ये दिन गुजारे, खड़ी भर तुम्हें देखने के लिए, तुमसे बात करने के लिए मेरा दिल तरस गया। फिर भी मैं तुमसे दूर रही कि लोग तुम्हें बदनाम ना करें, तुम्हारे चुनाव पे असर न पड़े। लेकिन तुम आज सीमा,
क्या शाह सर, आज क्या तारीख है? फ्राइडे फर्स्ट मई। फर्स्ट मई? मैं तो बिल्कुल भूल ही गया। मुझे अभी राधानगर जाना है, फौरन गाड़ी निकल लो। यस सर। और सुनो, तुम भी मेरे साथ चल रहे हो, जरा जल्दी करो। यस सर। पिताजी दवा दे दो, माँ को वक्त हो गया। बेटी बाहर बड़ा शोर हो रहा, राजा खिड़की तो बंद कर दे। आज तो सुबह से ही सारा काम वोट देने के जोश में हो रहा है। पिताजी तुम नहीं जाओगे वोट देने? तेरी माँ की तबीयत जरा संभल जाए तो शाम तक चला जाऊंगा। हुजूर खबर मिली है कि हरिहर भंज ने 200 लखे बुलवाए हैं। तो क्या हुआ? हमारे भी तो सब तैयार हैं। जी हाँ, बस आपके हुक्म का इंतजार है। तुम उन सबको ले जाओ चुनाव की जगह पर और उनसे कहो कि छुपकर हमारे इशारे का इंतजार करें, समझे? और तुम जाके जरूर निकलवाओ। जो हुक्म सर। एक एक को देख लूंगा। बोलो महामाया की। हमारी जीत महामाया की जीत अर्थात धर्म की जीत है। बोलिए महामाया की। बेटी की दवाई बन किस्तो गला घोड़ दूंगा। सास दीदी मुझे डॉक्टर साहब की तरफ रहने दीजिए। देख मुनिया की माँ, भगवान का श्राप तेरा सत्यानाश कर देगा, सत्यानाश हो जाएगा। हाँ भाई मुकुंदा। हाँ भाई। लोग सब वोट देने जा रहे हो? जी हाँ भाई जी, लेकिन समझ में नहीं आता कि वोट किस बक्से में डाले। अरे भैया आँख कर लो बंद और पर्ची छोड़ दो, चूल्हे में जाए या भाड़ में बात एक ही है। जा क्या बात है। आइए इधर आइए भाइयों, गांव में शांति चाहते हैं तो आओ। दिन भर का वक्त दिखा चलता है अभी नई पाली। इधर भाई उधर रक्षा, गांव में शांति चाहते हैं हम। हर दिन भर का वक्त दिखा चलता है अभी नई पाली। ये चुनाव जीतने का हकदार है। पंडित जी बड़ा अच्छा समाचार लेकर आया हूँ, सब पर्ची आप ही के बक्से भी गिर रही है। लक्ष्मी मैया सब तुम्हारी कृपा है, बस आज का दिन पार कर दो भैया, बस आज का दिन। क्या तुम यही इंतजार करो, मैं खबर तुमको आना। इतनी शोर के साथ जगदीश तू मत जा, कहीं चुनाव में गड़बड़ हुई तो। चुनाव में गड़बड़ हो या कुछ, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। जिस चीज को मैंने शुरू किया है उसको खत्म तो करना ही है। तो मैं तेरे साथ चलती हूँ। नहीं माँ, तुम्हारा प्रवेश तो नाटक के आखिरी दृश्य में होगा। लेकिन कम से कम ये भेष तो बदल के जा। अभी हरदन का रोल खत्म नहीं हुआ। जल्दी चलो। जो मंजू बाबू, क्या बाहर से औरतें ला रहे हो वोट दिलवाने के लिए? अरे नहीं हराधन, हम भला ऐसा गैर कानूनी काम कर सकते हैं? ये तो इसी गांव की बहू बेटियां है जो बाहर गई थी, उन्हें वापस ला रहा हूँ। अच्छा समझा मैं। जल्दी चलो। इधर भाइयों, इधर भाइयों, खबर मिली है कि तरकलंकारी अब तक 200 वोट से जीत रहे हैं। दलों की जय निश्चय ही है, इसलिए आप भी मंदिर मार का बक्से में वोट दीजिए और अपना हक अदा कीजिए। आइए आइए आइए, अगर गांव में शांति चाहते हैं तो Thank you.
तुम सब इस तरह घबरा के क्यों भाग रही हो? तुम लोग भी डर के मारे भाग रहे हो? चलो मेरे साथ। जरूर कोई बड़ा आदमी, यही सर जैसी राय है। नहीं भाई, मैं सर जैसी राय नहीं हूँ, वो तो यही है आप ही लोगों में। लेकिन है कहाँ जगदीश? जगदीश, जगदीश, इधर हूँ। जगदीश, ये क्या? जिस बात का मुझे शुरू से डर था वही हुआ। तू इन लोगों का भला करने के लिए आया और तुझे ये इनाम मिला? शायद मैं इसी काबिल था माँ। भाइयों, आप लोगों ने ये क्या किया? यही तो है सर जैसी राय। हरदल डाकिया जैसी राय? हाँ भाइयों, मैं ही सर जैसी रॉय हूँ। आप लोग जरा शांति से बैठ जाइए, मुझे आपसे कुछ बातें करनी। बैठ जाइए। इतने अरसे से जो मैं यहाँ हरा धन बना रहा, उसके दो कारण थे। एक तो ये कि मैं अपने गांव वालों के साथ, यानी आप लोगों के साथ रहकर आप लोगों को अच्छी तरह समझूं और अच्छी तरह जान सकूं। दूसरे ये कि 5 लाख रुपए की रकम जो मेरी माता जी ने इस गाँव की भलाई के लिए भेजी है, किसी नेक और सही आदमी के हाथ में जाए। उस वक्त मुझे यह नहीं मालूम था कि इसका नतीजा इतना भयंकर होगा कि इज्जतदार आदमी एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाएंगे। मुझे इसका बहुत अफसोस है और मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ। सर जैसी राय की। मैं समझ गया कि आप लोगों ने मुझे माफ कर दिया। ये मेरी पूज्य माता जी है। इस गाँव में से जिस आदमी को भी आप चुनेंगे, मेरी माता जी वो 5 लाख रुपए की रकम अपने हाथ से उनके हाथ में दे देंगे। इनमें से कोई आदमी अच्छा नहीं है, ये सब बाजी हैं। ये रकम इनको नहीं मिलनी चाहिए, इन्हें तो उल्टे सजा देनी चाहिए। शांति शांति भाइयों, आप लोग जोश में ना आइए। उन लोगों को एक ना एक दिन सजा मिलेगी। आज पैसे की कसौटी पर अच्छे और बुरे की परख हो चुकी है। आइंदा के लिए ये अच्छा हुआ कि आप लोगों को मालूम हो गया कि कौन कैसा आदमी है। मतलब ही आदमियों की दुनिया में कोई कमी नहीं है, हम लोगों को उनसे होशियार रहना चाहिए। तो फिर अब आप ही लोग इस गांव में से एक अच्छे आदमी का चुनाव कर लीजिए। आप लोग खामोश क्यों हैं? क्या इस गांव में कोई अच्छा आदमी नहीं है? क्यों नहीं, मैं ही अच्छा आदमी हूं। ये शशि है, ये अच्छा आदमी है, ये करीम चाचा भी अच्छे आदमी है, लेकिन हम अपनी बात नहीं कहते हैं। हमसे भी अच्छा आदमी है और आप सब उसे जानते हैं, और वो है अपना पोस्टमास्टर। कबीरा जी ठीक कहते हैं, ये 5 लाख रुपए की रकम पोस्टमास्टर साहब के नाम ही भेजी गई थी। अगर वो चाहते तो अपने पास रख लेते और किसी को कुछ पता नहीं चलता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और गरीबी की हर तकलीफ को बर्दाश्त करते रहे। भाइयों, देवता मैंने नहीं देखा है, लेकिन पोस्टमास्टर साहब को देखने के बाद मुझे इसका कोई दुख नहीं। अब आप ही लोग बताइए, आप कविराज की राय से सहमत हैं? पोस्ट मास्टर जी की, सर जैसी राय की, आपकी, सर जैसी राय की, आपकी। पिताजी, गांव के बहुत से लोग इस तरफ आ रहे हैं,
साथ में हरदन चाचा भी है। आ रहा है वो बेखूब। अच्छा एक दिन की छुट्टी लेकर गया और तीन दिन के बाद लौट आई। मजाक नहीं, सरकारी नौकरी है। अरे इतने सिर में क्या हुआ, चुनाव में लड़ाई की है क्या? अरे तेरी तो दूसरी टांग भी टूट जानी चाहिए। दादा 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 कहने से अब मैं नहीं फिर लूंगा। नौकरी से गैरहाजिर रहने के जुर्म में तुझे बर्खास्त कर दूंगा मैं। आप नौकरी का डर किसे दिखा रहे हैं? आप सर जेसी रॉय? कौन है ये? सर जेसी रॉय। हराधन सर जेसी रॉय, यानी तुम? नहीं नहीं, आप मुझे माफ कर दीजिए। दादा आपके लिए तो मैं हराधन ही हूँ। ये सब लोग मेरी जय क्यों बोल रहे हैं? ये आपको बधाई दे रहे हैं। गांव वालों ने एकमत होकर आपको गांव का सबसे अच्छा आदमी चुना है। ये मेरी माता जी है, 5 लाख रुपए की रकम ये अपने हाथ से आपको देंगे। नहीं नहीं भाइयों, भाइयों मुझे माफ कर दो, मैं एक मामूली आदमी हूँ। इतनी बड़ी जिम्मेदारी का बोझ मैं ना संभाल सकूंगा। क्यों नहीं, मैं जगदीश से आपके बारे में सब कुछ सुन चुकी हूँ। आप जैसे संसार में बहुत कम होते हैं जो दुख में भले ही पिस जाए मगर हार नहीं मानते। आप जैसे ही देश का कल्याण कर सकते हैं, इसलिए आपको ये जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। सारे गांव के साथ मैं भी अपना वोट आप ही को देती हूँ। पोस्ट मास्टर साहब की जय। सर जेसी रॉय की जय। पोस्ट मास्टर साहब की जय। हमसे कितनी बड़ी भूल हो गई, इतने बड़े आदमी को कितना कष्ट कितनी तकलीफ। और आप मेरी क्या शिकायत कर रहे हैं माँ से? आइए आइए बैठिए आइए। देखिए दादा, अगर आप इस तरह तकल्लुफ करेंगे तो मैं माँ के साथ मोटर में बैठ के अभी अभी चला जाऊंगा। आप बैठ जाइए। माँ तुम्हारा तो सब काम खत्म हो गया, 5 लाख रुपए की रकम गाँव के सबसे अच्छे आदमी को मिल गई, मगर मेरा एक काम बाकी रह गया। वो कौन सा? वो ये कि इस गाँव की सबसे अच्छी लड़की कुमारी सीमा को भंज के पंजे से छुड़ा कर श्रीमान रजत के साथ शादी कराना बाकी रह गया। दादा सीमा के ब्याह के लिए 5,000 रुपया। दीदी दीदी हमने सुना है हमारा हरदिन चाचा बहुत बड़े आदमी है, कहाँ है वो? क्या देखता है बंदर, मैं ही तेरा चाचा। हरदिन तो मैं अभी सीमा को आशीर्वाद देती जाऊँ। आओ बेटी आओ ना, शुभ दिन देख के मुझे खबर देना, मैं जरूर आऊंगी। जीती रहो बेटी जीती रहो। सीमा ऐसे खुशी के मौके पर एक कड़क चाय का प्याला मिलना चाहिए। अभी नहीं चाचा। सीमा बेटी आज तो मैं भी एक कप चाय पीऊंगा, पिलाओगी ना? क्यों नहीं पिताजी। इसे मिलाकर आज तक कितनी बार चाय पी आपने? सिर्फ 3 बार। आप लोग सब खुश हैं मगर मैं बहुत दुखी, मेरी लगी लगाई नौकरी छूट गई। उससे भी बड़ा दुखी है कि आप लोगों को छोड़ के जाना है। देखो ना घाट पर आना ही महाल कर दिया है, सारा दिन मछली पकड़ने के बहाने बैठा रहता है और घूरता है। बदमाश कहीं क्यों नहीं घूरेगा, पहले वो पंसारे की दुकान करता था, अब भाई यूनियन बोर्ड का प्रेसिडेंट। आ गई धनजू बाबू। ओ सरकार जी निकल गई ना हाथ से, अब ये चारा बेकार है धनजू बाबू, चारा बदलना पड़ेगा। क्या कहा आपने? आप यहाँ बैठे बैठे मच्छी मार रहे हैं, वहाँ आपके छोटे तालाब को वो लोग पाटे दे रहे हैं। कौन पाटे दे रहे हैं? अरे वही रजत और उसके छोकरे देशोद्धार कर रहे हैं। चलिए तो देखें। चलिए वहाँ पोस्ट ऑफिस में देखा तो अलग राशि ले चल रही। लीजिए अब अपनी आंखों से देख लीजिए। किसके हुकुम से ये ताला पाट रहे हो? छोटा सा घर है को आप
तालाब कह रहे हैं। खबरदार, मैं सबको पुलिस में दे दूंगा। जानते हैं सर्कल नकार जी, एक महीना पहले मैंने इस तालाब में 100 रुपए की मछलियाँ छोड़ी थी। मछली तो यहाँ एक भी नहीं है। हाँ, मच्छरों के अंडे हैं लाखों, और अगर वो आप ना फेंके हो तो बात दूसरी है। छोटा बदमाश, छोटा मुंह बड़ी बात। क्यों केवल, क्या हुआ है? होगा क्या, ये तालाब तुम्हारे बाप का है। जबान संभाल के बात करिए। बीच में मत बोलो। बन साहब, मेरे बाप को मरे कई साल हो चुके हैं, अब उन्हें क्यों बीच में ला रहे हैं? जो भी कुछ कहना है मुझे बोलिए। तुम्हें क्या बोलो, अब तो मैं तुम्हें सीधे पुलिस के हवाले करूंगा। सारी हेकड़ी हवा हो जाएगी वहां जाकर। बन साहब, अब देश स्वाधीन हो चुका है, क्या गांव के स्वास्थ्य बिगाड़ने के अपराध में पुलिस आप ही को ना पकड़ ले। जा जा, देखता हूँ पुलिस किसे पकड़ती है। मैं अभी दरोगा जी के पास जाता हूँ। चलिए। बिल्कुल ठीक, छठे साक्षम समाज से अपना अपना काम करो। जाओ। नमस्ते भजबल जी। नमस्ते। कौन निवारण भाई, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, मैं तुम्हें याद कर रहा था। क्या भाई, बात यह है कि तुमने अपनी बड़ी लड़की के ब्याह पर जो 2000 रुपए की रकम मुझसे कर्ज ली थी ना, आज पूरे 3 बरस होने को आए। असल तो असल सूद तक नहीं दिया। मैंने भी हार कर कागजात वकील को दे दिए हैं, अब मुझे दोष न देना। जी गलती तो मेरी है, आपने तो जितनी मोहलत सोच सकी थी, लेकिन कुछ दिनों की मोहलत। बात यह है, एक सरकारी सर्कुलर आया, एक आध महीने में हम लोग तनख्वाह भरने वाले हैं, फिर मैं आपकी पाई पाई चुका। भाई कह जो रहा हूँ कि मामला मेरे हाथ से निकलकर वकील के हाथ में जा चुका है, उसकी चिट्ठी आएगी जो तुम्हारे जी में आएगा ना। पाँच आना, एक काहे का पाँच आना बेटा, भगवान का भोग लगेगा कि प्रसाद ले जाना। पोस्ट मास्टर, मास्टर क्या खरीद लाए? क्या खरीदना शास्त्री जी, महंगाई इतनी हो गई किसी चीज को हाथ लगाते भी डर लगे। कुछ पूछो मत। भुजबल क्या कह रहे थे? अजी कहते क्या, बड़ी लड़की की शादी के लिए उनसे कर्जा लिया था, उसी का तकाजा कर रहे हैं। भैया यही बात भंजू बाबू के यहाँ हो रही थी, कितना समझाया उन्होंने, कितना समझाया, पर पट्टा पसी जाए नहीं, कहने लगा मैं मुकदमा करके ही छोड़ू। शास्त्री जी, अब तो जो किस्मत में होगा भुगत नहीं पड़ेगा। भैया भंजू बाबू को इस बात का बहुत ही अफसोस है, कहने लगे कि जैसे भी हो निवारण की सहायता करनी चाहिए, तुम्हारी जात के है ना। अच्छा ये भंजू बाबू के लिए तुम्हारी क्या राय? ये अच्छे हैं। नहीं नहीं, अच्छे तो हैं, मगर किस रूप में? मैं समझा नहीं शास्त्री जी। नहीं समझे? भैया दुनिया में सभी अच्छे, पर कोई मामा के रूप में अच्छा है, कोई ससुर के रूप में। मैंने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा। सोचो निवारण, सोचो। 1 लाख से ऊपर का आसामी है सारी जायदाद मिला के, घर वाली मरी चुकी है और बाल बच्चा घर में कोई है नहीं संभालने वाला। मैं पूछता हूँ दामाद के रूप में भंजू बाबू कैसे रहेंगे? शास्त्री जी, मेरी बेटी सियानी हो चुकी है, मैं उसके मामले में दखल नहीं देना चाहता, और फिर कर्जा तो मैंने लिया है, वो क्यों भोगे? सोच लो भैया, मैं तो तुम्हारे भले के लिए। क्यों आज फिर तबीयत बिगड़ गई क्या? ठीक ही कब थी, अब तो भगवान दुनिया से उठा ले तो मुझे भी शांति मिले और तुम सबको भी। तुम तो खामखा परेशान होती हो। देखो मैं वैद्य से दवा लाया हूँ, उन्होंने कहा इस दवा से तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अरे हाँ, एक बात हम तुम्हें कहना भूल ही गया, आज सुबह बाजार में तड़का अलंकार जी मिले थे, कहने लगे अगर अपनी सीमा की शादी भंज महाशय से कर दे। वाह, उसका नाम है हरिहर भंज। और बेचारे राजकुमार की दुर्दशा तो तुम देख ही रही हो। हाँ, बेचारे का उड़न खटोला बन गया साइकिल और सिपाही हो गए स्कूल के चले जाते। बिल्कुल ठीक, वरना मैं राजकुमारी को दूर बहुत दूर उस स्वप्न से सुंदर देश में उड़ा ले जाता। फिर तुम्हें अपने महल में ले जाता, वहां तुम हीरे लगे मोतियों के पेड़ों के नीचे सोने के सेज पर बैठी मेरी राह देख, और मैं अपने उड़न खटोले पर बैठ बादलों को चीरता हुआ तुम्हारे पास आ जाता। फिर तुम
बिल्कुल मेरे पास आ जाती और मैं निहारा करता तुम्हारा सुंदर सलोना मुख, तुम्हारी मुस्कुराहट की मोतियों से भर लेता अपना दामन। लेकिन हर कल्पना, खैर असीम को भेजकर मुझे क्यों बुलवाया? तुम्हें बताने के लिए कि राक्षस का हौसला बहुत बढ़ गया है, भंज पिताजी को रुपयों का लालच देके मुझे हड़प लेना चाहता है। शायद कोई आ रहा है। आएगी तो पहुंचा दूंगा। हाँ राधा। हाँ राधा। अरे देख तो चिट्ठी मेरी नाम है ना, पोस्ट मास्टर राधानगर। राधानगर के पोस्ट मास्टर तो आती हैं। अरे आखिर आपके नाम भी चिट्ठी आई गई दादा, देखो ना, देखो किसकी चिट्ठी है। अरे देखना क्या, मैं जानता हूं कैसी चिट्ठी है। कैसी चिट्ठी है? भुजबल के कुछ रुपए बाकी थे, उसने नालिश करने की धमकी दी थी, उसी के वकील का नोटिस होगा। जा डाक बांटने का देर हो रही, हजारों बरस के बाद तो चिट्ठी आई है, आप देखते ही हैं। दादा पढ़ के देखते लो क्या लिखा। आराधन क्या हुआ दादा, तो तबीयत खराब है, बुरी खबर तो नहीं है? आज तुम्हें हो क्या गया है? इतनी रात बीत गई सोओगे नहीं? देखो बात यह है, आज एक चिट्ठी आई है, अजीब चिट्ठी है वो, उसमें एक अच्छा रहने दो, कल बताओ। निकल जाओ, धक्के देकर इन्हें बाहर निकाल। हुजूर मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। हुजूर मुझे एक बार माफ कर दीजिएगा, हुजूर मुझे माफ कर दीजिएगा। कहो कुछ काम है? जी आपसे एक सलाह लेने आया हूं। नायब जी ये अपने यहाँ के पोस्ट मास्टर है ना? जी हाँ, एक चिट्ठी आई है। चिट्ठी ले लो इनसे। जी वो चिट्ठी मेरे नाम है। तुम्हारे नाम है तो हमसे क्या वास्ता? जी चिट्ठी कुछ ऐसी है कि गांव के पांच जन इकट्ठे हों तो सबके सामने कहूं, अगर आपको कष्ट न हो तो शाम को थोड़ी देर के लिए पोस्ट ऑफिस में आ जाइए। गरज तुम्हारी है हुजूर की? जी गरज तो मेरी है। तो फिर सरकार वहां क्यों जाए, जिसकी गरज पड़ेगी आएगा यहाँ। ये भी ठीक है, तो ऐसा करता हूँ सरकार, गाँव के पांच जन को यही बुला लेता हूँ। नमस्ते। अबे पंखा जोर से खींच। पहले के बकाया 12:30 आना, इधर रख। ठीक है ये ले, उधर जाकर बैठ जा। डॉक्टर बाबू है? पोस्टमास्टर साहब नमस्ते। बैठिए बैठिए, डॉक्टर साहब विजिट पर गए हैं, अब भी आ जाएंगे, अब बैठिए। रामचरण गुलजारी एक रुपये नौ आना। ये रहा एक रुपया, ये मेरे खेत के चार बैगन। चार बैगन तो एक आने, और बाकी आठ आने कल जाकर। तो फिर कल ही आना। चुप शशि भूगन, 2 रुपया 3 आने। फसल आया? लड़की की हालत बहुत ही खराब है छोटे डॉक्टर बाबू, आज की पर्ची और दे दीजिए। डॉक्टर साहब ने कह नहीं दिया था कि पैसा लाया बगैर ये मनुस्मृत मत दिखाना। डॉक्टर साहब आ गए। जा जा। नमस्ते नमस्ते। डॉक्टर साहब मेरी लड़की मर जाएगी, आप मुझे दवा जरूर दिखवा दीजिए डॉक्टर साहब। अबे पहले पैसे दे के पर्ची बनवा, ये कोई खराती दवाखाना नहीं है। तो भुजबल से लिया हुआ हमारा सारा कर्जा खुद चुका देंगे। तो तुमने क्या जवाब दिया? मैंने साफ इनकार कर दिया। इनकार कर दिया क्यों? अरे तो क्या तुम ये चाहती हो मैं सीमा की शादी इस बूढ़े से कर दूं? शादी ब्याह तो किस्मत के लेके है, वर की उम्र कुछ ज्यादा है तो क्या, पैसों की तो कमी नहीं, लड़की हमारी राज करेगी राज।
मैं तो कहती हूँ कल ही जाकर बात पक्की कराओ। पुरी के राजमहल में पहुंच गया। क्यों? राजकुमारी के खोज में। राजकुमारी की इतनी चाह तो हुए उनके दर्शन। लेकिन पता जरूर मिल गया। क्या पता मिला? पातालपुरी के द्वारपाल ने बताया कि राजकुमारी आजकल वहां नहीं रहती। उन्होंने राधानगर में पोस्टमास्टर जी के यहाँ जन्म लिया। चलो हटो। फिर मैंने पूछा कि उस राक्षस का क्या हुआ,
तो पता चला कि राजकुमारी को हड़प जाने के लिए वो भी राधानगर में पैदा हुआ। मत करता, चल जल्दी कर, डाक बांटनी है। पिताजी जरा अंदर जाओ, माँ बुला रही है। देख तो रही बेटी कितना काम है, इस वक्त कैसे जाऊं? जरा हो ना, तब तक मैं स्टैंप मारे देती हूँ, बड़ा भारी काम है। बिटिया तो हमारी कड़क चाय का क्या हुआ? शक्कर नहीं है चाचा। शक्कर नहीं है तो मुझसे क्यों नहीं कहा? मैं ले आता, अभी लाता हूँ। नहीं चाचा, रोज रोज तुम शक्कर क्यों लाओगे? देखो बिटिया, और जो तुम चाहो करो, मगर भगवान की हंसी न उड़ाया करो। मैं कौन हूँ लाने वाला, मैं तो खाने वाला हूँ। लाने और जुटाने वाला तो वो है ऊपर वाला, नीली छतरी वाला। ये लीजिए मनी ऑर्डर। लाओ। अरे सीमा तुम? इसमें ताजुब की क्या बात है, पिताजी रिटायर हुए की नौकरी मेरे। आओ अंदर आओ। देख क्या रहे हो? देख नहीं रहा हूँ, सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ अगर ऐसा पोस्टमास्टर मिल जाए तो हर रोज मनी ऑर्डर किया करो। 60 रुपए लेके तो स्कूल मास्टर हो, रोज मनी ऑर्डर के लिए पैसे कहाँ से लाओगे? बुरा मान गए? बुरा मानने की क्या बात है, ठीक ही तो कहा है तुमने, इसीलिए तो। इसीलिए तो क्या? कुछ नहीं। चलो अच्छा ही हुआ, पैसे भेजने की जरूरत पड़ी तो दिखाई तो दिए। क्यों, जो देखना चाहता है वो तो देख ही लेता है। हाँ सुना है कि वो लोग कल तुम्हें देखने आए थे। आए तो थे। खूब सिंगार किया होगा तुमने। क्यों नहीं करूंगी, क्या मुझे शौक नहीं है? जरूर है। ये भी सुना है कि वर एक आंख से काना है। और ये नहीं सुना कि वर के बाप के दोनों कान भी कटे हुए हैं? वर की आंख बनवाने के लिए हम अपने खर्चे से उसे विलायत भेजेंगे, तब होगी शादी। ठीक ही तो है, एक आंख से इतना रूप देखकर भला किसी का जी भर सकता है? हाँ अगर तुम चाहो कि वो तुम्हें एक आंख से देखता रहे तो फिर बात दूसरी है। बस बस रहने दो, इतने दिनों से मुंह छुपाए फिरते रहे और अब बातें करते हो बड़ी बड़ी। सच बताता हूँ सीमा, मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती। मैंने बहुत कोशिश करके देखा कि गांव के बड़े लोग कुछ नहीं करेंगे, इसलिए मैंने बच्चों का एक दल बना लिया है। गांव के रास्तों और जंगलों को साफ करके यहां से मलेरिया को भगाने की कोशिश कर रहा हूं। भगाओ मलेरिया, लेकिन हम तो इन सब में नहीं है। हमारा अपना उद्धार नहीं हुआ और हम देश उद्धार करने चले। तुम क्या देश के बाहर हो सीमा? देश के उद्धार से ही तुम्हारा उद्धार होगा। कौन किसका उद्धार कर रहा है भाई? नारायण नारायण। रजत बाबू, पोस्टमास्टर कहाँ है बेटी? पिताजी अंदर है, आप बैठिए अभी आते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा मैं चलता हूँ। सुनो रसीद पर तो पिताजी के दस्तखत। फिर ले लूंगा। ले बेटिया ले, ले आया शक्कर। अभी बना के ले जाए। अरे पंडित जी आप सुबह सुबह। अरे क्या पूछता है आराधन, नारायण सवेरे ही सवेरे घर से बाहर निकला तो दरवाजे पर पैर लिपड़ गया, इसीलिए स्नान करने जा रहा था। रास्ते में सोचा कि जरा देख लूं शंकर की कोई चिट्ठी विट्ठी। पंडित जी हाँ, आपके घर के दरवाजे के सामने तो गोबर होगा। रे नहीं रे, बदबू के मारे नाक फट गई, आंखों से देखा गोबर नहीं था। नहीं आपको कुछ गलतफहमी हुई है, वहां तो गोबर ही होना चाहिए। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? विश्वास न हो तो तू खुद चल के देख ले। मेरा मतलब ये था हाँ, कि आपकी तरफ तो गाय बैल ही ज्यादा रहते हैं ना। क्या कहा मूर्ख कहीं का, हमारी तरफ गाय बैल ज्यादा रहते हैं? मैं दिखा दूंगा तुझे नरक का कीड़ा। अरे अलंकार जी आप इतने नाराज क्यों हो रहे हैं? देखो पोस्टमास्टर, अपने इस नए डाकिये को समझा दो, जो कुछ मुंह में आता है बक देता है। कह रहा है कि हमारी तरफ आदमी कम और जानवर ज्यादा रहते। नहीं नहीं पंडित जी, शायद इसका मतलब ये था कि गाय बैलों का तबेला तो आप ही मोहल्ले में है, इसमें नाराज होने की क्या बात है? देखो जी तुम इसका पक्ष मत लो, ये हमें सिखाता है, ये जानता नहीं कि हम कौन है। ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा बच्चों के लेख चांदा। देखा राधन, तू अभी नया नया काम पर लगा है, इन बड़े लोगों के मुंह मत लगा कर, हमें इनकी इज्जत करनी चाहिए, समझा? क्यों, हम इनका कुछ दिया खाते नहीं। उस दिन मैं डाक लेके इनके घर के अंदर तरह घुस गया, सारे घर को गोबर से लीप दिया। मगर दूसरे दिन जब मैं मनी ऑर्डर लेके पहुंचा और उनसे पूछा कि पंडित जी आप मेरा छुआ हुआ रुपया लेंगे या मैं वापस ले जाऊं, तो हंस के दांत दिखा दी। कहने लगे, कहने अर्थेनियम नास्ति,
यानी रुपए पैसे के मामले में छूछात कोई चीज नहीं। देखा राधा, तू बातें जरा कम किया कर, समझा? क्या सीमा बिना स्नान किए ही लौट रही हो? सबक रह गया याद करने के लिए रोज, लंगड़े को लंगड़ा नहीं कहना चाहिए। हाँ मास्टर साहब कहते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकता है। जा तू अपनी दीदी से कह मेरे लिए कड़क चाय बना दे। क्यों रे, आज लगता है बोटा आ गई। ऐसा ही कुछ है, आज तो मेरी कमर टूट गई है। जानते हैं क्यों होता है? इसलिए होता है कि लोग पढ़ बहुत गए हैं,
नौकरी वोकरी कुछ मिलती नहीं, इसलिए अर्जियां लिखते रहते हैं। या ये लिखते हैं, मेरे सपनों की रानी, मेरे सपनों के राजा। राजा, रोज इतनी चिट्ठियां आती हैं मगर आपकी कभी नहीं आती। डेढ़ महीने से मैं काम कर रहा हूं मगर ऐसा कभी नहीं देखा कि आपकी कोई चिट्ठी आई। क्या बात है? अब हमारा है ही कन जो हमें चिट्ठी लिखे। डेढ़ महीने तो क्या, 20 बरस हो गए पोस्ट मास्टर करते, लेकिन कहीं से भी कोई चिट्ठी नहीं आई। क्यों, भाभी को मैं क्या नहीं भेजा? भेजा था रे, लेकिन वो तो चिट्ठी नहीं लिखती। हाँ, एक बार चिट्ठी लिखी थी, लेकिन पता कुछ ऐसा लिखा कि चिट्ठी लापता हो गई। हाय हाय, तो वो भी चिट्ठी नहीं मिली। दादा, मैं ये सोच रहा हूँ कि छुट्टी लेकर कहीं चला जाए। अरे अभागे, अब जब भी तो छुट्टी पे गया था, फिर छुट्टी क्यों? ऐसी छुट्टी नहीं चाहिए मुझे। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से कहीं दूर चला जाऊं और वहां से आपको एक चिट्ठी लिख डालूं। कसम से दादा, आपको एक चिट्ठी मिलना जरूरी है। तो बातें